पता नहीं कि पठान मर गया है या जिंदा है। रिलीज हुआ पठान फिल्म का सॉन्ग बेशरम रंग। माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुँचे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान का सॉन्ग बेशरम रंग सोमवार 12 दिसंबर को 11 बजे सुबह रिलीज कर दिया गया है। रिलीज होने के महज 15 मिनट में बेशरम रंग यूट्यूब पर 2.5 लाख से अधिक व्यूज आ चुके हैं। सॉन्ग रिलीज के ठीक पहले सोमवार की देर रात शाहरुख खान ने माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुंचकर प्रार्थना की है। लंबे समय बाद शाहरुख खान बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। 25 जनवरी 2023 को उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान रिलीज होने के लिए तैयार है। शाहरुख इसकी सक्सेस के लिए कटरा स्थित माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे और वहां उन्होंने माथा टेक कर माता के दर्शन करते हुए प्रार्थना की। पठान फिल्म का गाना बेशरम रंग भी आज सोमवार को सुबह 11 बजे रिलीज हो गया है। शाहरुख खान दुनिया के सबसे व्यस्ततम अभिनेत्रियों में गिने जाते हैं। उनके पास काम ही काम होता है, लेकिन काम के बीच वे ईश्वर के दर्शन और प्रार्थना के लिए समय निकालना नहीं भूलते। जनवरी 2023 में उनकी फिल्म पठान रिलीज होने जा रही है। इसके पहले शाहरुख खान ईश्वर के दर्शन भी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मक्का मदीना का रुख किया था। इसके बाद सोमवार की देर रात वे कटरा स्थित माँ वैष्णो देवी मंदिर भी पहुंचे और प्रार्थना की। मंदिर में शाहरुख खान ने माता के सामने माथा टेका। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ने अपने अन्य साथियों के साथ माँ वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाकर पूजा अर्चना की। शाहरुख ने चेहरे पर मास्क लगाया था ताकि लोगों की पहचान में न आए। हर धर्म को मानते हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान को आपने फिल्म पर्दे पर कई अलग रूप में देखा होगा। कभी रोमांस तो कभी एक्शन किंग बनकर उन्होंने लोगों के दिल जीते, लेकिन असल जिंदगी में शाहरुख खान एक ट्रू फैमिली मैन होने के साथ काफी धार्मिक भी है। वे हर धर्म को एक समान मानते हैं। तभी तो मक्का जाकर उमराह करने के बाद शाहरुख खान अब माँ वैष्णो देवी के मंदिर पहुंच गए हैं। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म 25 जनवरी 2023 में शाहरुख खान की पठान रिलीज हो रही है। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण है। इसके बाद 2023 में जून माह में फिल्म जवान रिलीज होगी और इसी साल के अंत में शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज होगी, जिसकी शूटिंग हाल ही में सऊदी अरब में पूरी हुई है। वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे शाहरुख खान, पठान की सक्सेस के लिए की प्रार्थना। हिंदी सिनेमा के किंग शाहरुख खान हाल ही में वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी के लिए पहुंचे। वैष्णो देवी मंदिर से शाहरुख के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस दौरान शाहरुख खान काले रंग के लिबास में दिखाई दिए। लंबे वक्त बाद शाहरुख खान की फिल्म पठान बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। ऐसे में शाहरुख फिल्म की कामयाबी की दुआ करने वैष्णो देवी पहुंचे। खास बात यह है कि हाल ही में किंग खान ने सऊदी अरब में उमरा भी किया था। शाहरुख खान को रविवार को कटरा में देखा गया। सिक्योरिटी के साथ शाहरुख वैष्णो देवी पहुंचे। यहां उनके साथ कुछ दोस्त भी थे। शाहरुख ने चेहरे पर मास्क लगाया था जिससे लोग उन्हें पहचान न पाए। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर में दर्शन करने के बाद शाहरुख खान आज मुंबई वापस लौट आएंगे। शाहरुख खान हर धर्म का सम्मान करते हैं, इसका सबूत उन्होंने कई मौके पर पेश किया है। शाहरुख खान एक मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने एक हिंदू लड़की गौरी खान से शादी की है। कई बार उन्होंने इंटरव्यूज के दौरान बताया है कि उनके घर में एक ही जगह पर हिंदू धार्मिक ग्रंथ गीता और मुसलमानों की धार्मिक किताब कुरान शरीफ रखी हुई है। यही नहीं, एक इंटरव्यूज में जब पत्रकार ने उन्हें कहा कि मान लीजिए आप शेखर कृष्ण होते, एसके, इस पर किंग खान ने बीच में टोकते हुए अपने ही खास अंदाज में उन्हें जवाब दिया था। उन्होंने कहा था शेखर राधा कृष्ण एसआरके। किंग खान के इस जवाब से सभी खुश हो गए थे। गौरतलब की हाल ही में शाहरुख सऊदी अरब में हुई रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने मक्का जाकर मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थल काबा का दीदार किया और उमरा भी किया। उनके उमरा करने की कई तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। शाहरुख खान एक लंबे अरसे बाद फिल्म पठान से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। पठान को लेकर शाहरुख काफी उत्साहित है। वही फैंस भी किंग खान की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी लीड रोल में दिखेंगे। शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पठान का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज। शाहरुख दीपिका की सिजिलिंग केमिस्ट्री देख फैंस बोले फायर है। फिल्म पठान बी टाउन की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इन दिनों इंडस्ट्री फिल्म का बज बना हुआ है। फैंस भी फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इस बीच मेकर्स ने लाखों चाहने वालों को तोहफा दिया है और फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज कर दिया गया है। फैंस को इस गाने का बेसब्री से इंतजार था। गाना रिलीज होते ही इसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टार पठान का गाना बेशरम रंग आउट होते ही छा गया है। महज कुछ ही मिनटों में इसे लाखों व्यूज मिल गए हैं।
गाने में जबरदस्त डांस मूव्स है, साथ ही शाहरुख और दीपिका की केमिस्ट्री भी लाजवाब है। दीपिका पादुकोण ने अपने ग्लैमरस लुक को फैंस को कायल कर दिया है। शाहरुख और दीपिका ने अपने डांस और केमिस्ट्री से लोगों के दिलों में जगह बना दी है। बात करें गाने के बारे में तो इस सॉन्ग को विशाल और शेखर ने म्यूजिक दिया है। इसके बोल कुमार के है। गाने को शिल्पा राव, कैरालिसिया मोटेरियो, विशाल और शेखर ने गाया है। इसका स्पेनिश लिरिक्स विशाल ददलानी ने दिया है। गाने में जो आपको जबरदस्त डांस मूव्स दिख रहे हैं, उससे फेमर कोरियोग्राफी वैभवी मर्चेंट ने कोरियोग्राफ किया है। जैसे ही यूट्यूब पर इस गाने को रिलीज किया गया, फैंस के बीच छा गया। कुछ लोग इसे मास्टरपीस बता रहे हैं, तो वही कुछ ने इसे कंप्लीट फायर बताया है। यही नहीं, कई लोग गाने को इस साल का चार्ट बस्टर बता रहे हैं। कुछ फैंस शिल्पा राव की आवाज को पसंद कर रहे हैं। गाने को देखकर इतना तो साफ है कि ये अब सभी पार्टियों में बजने वाले गानों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। पठान में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के अलावा जॉन अब्राहम भी लीड रोल में नजर आएंगे। यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। पठान को 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। गौरी खान बेशर्म रंग सॉन्ग में शाहरुख खान और दीपिका को देख हुई दीवानी। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने को किया प्रमोट। शाहरुख खान के फैंस का इंतजार अब फाइनली पूरा हो चुका है। लंबे समय से फैंस 12 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बीते काफी दिनों से शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म पठान से बढ़कर एक दीपिका पादुकोण को पोस्टर रिलीज करते नजर आए थे। वही बीते दिनों उन्होंने अपना भी दमदार लुक रिलीज किया था, जिसके बाद से ही बेशरम रंग सॉन्ग को लेकर लोगों ने काफी एक्साइटमेंट दिखने को मिली। लेकिन ये एक्साइटमेंट अब फाइनली पूरी हो चुकी है, क्योंकि बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने अपनी फिल्म पठान से बेशरम रंग सॉन्ग को रिलीज कर दिया गया है। यहाँ तक कि इस सॉन्ग को लेकर शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान में भी काफी दीवानगी देखने को मिली। वह खुद इस सॉन्ग को लेकर एक्साइटेड दिखी और ये एक्साइटमेंट उन्होंने साफ तौर पर जाहिर की है। खुद गौरी खान इस सॉन्ग को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से प्रमोट कर अपने फैंस को यह सॉन्ग देखने के लिए उत्सुक करती नजर आई। पठान का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज होने के साथ फैंस की जुबा पर चढ़ गया है। सॉन्ग रिलीज से पहले इसकी ग्लैमरस झलक शेयर की गई थी। दीपिका पादुकोण समंदर किनारे मनोकनी पहले सिजलिंग लुक सामने आया था। इसके बाद शाहरुख खान का स्वैग दिखा। दोनों स्टार्स की कमाल की झलक देखने के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को अब साथ देखने के लिए तैयार हो जाइए। सॉन्ग बेशरम रंग की किंग खान और दीपिका पादुकोण की दमदार केमिस्ट्री नजर आ रही है। इससे पहले इन दोनों स्टार्स को अपने चेन्नई एक्सप्रेस और ओम शांति ओम मूवी में देखा होगा। शाहरुख और दीपिका की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर हिट रही है। पठान में एक बार फिर दीपिका शाहरुख खान का रोमांस बड़े पर्दे पर छाने वाला है। गाने को शिल्पा राव, कैरालिसा मोटेरियो, विशाल और शेखर ने गाया है। लिरिक्स है कुमार के। इस फिल्म का म्यूजिक विशाल और शेखर ने दिया है। गाने को कोरियोग्राफी किया है वैभवी मर्चेंट ने। जैसे ही यूट्यूब पर इस गाने को रिलीज किया गया, फैंस के बीच छा गया। कुछ लोग इसे मास्टरपीस बता रहे हैं, तो वही कुछ ने इसे कम्प्लीटली फायर बताया है। यही नहीं, कई लोग गाने को इस साल का चार्ट बस्टर बता रहे हैं। कुछ फैंस शिल्पा राव की आवाज को पसंद कर रहे हैं। गाने को देखकर इतना तो साफ है कि ये अब सभी पार्टियों में बजने वाले गानों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, यह सॉन्ग आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। पठान के टीजर से सामने आ गई पूरी स्पाई यूनिवर्स की कहानी। टीजर में है शाहरुख और ऋतिक के साथ आने का ये बड़ा हिंट। शाहरुख खान के बर्थडे पर उनके फैंस को बड़ा तोहफा मिला और किंग खान की नई फिल्म पठान की टीजर रिलीज हो गया। टीजर देखने के बाद शाहरुख फैंस उनके जबरदस्त एक्शन अवतार के दीवाने हुए जा रहे हैं। फिल्म के लिए शाहरुख का ट्रांसफॉर्मेशन भी फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। नए हेयर स्टाइल और दमदार बॉडी के साथ वो स्क्रीन पर कहर ढाते दिख रहे हैं। पठान के टीजर में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण का सुपर स्टाइलिश अवतार और पावरफुल विलन के रोल में जॉन अब्राहम की भी तारीफ हो रही है। पठान के साथ यशराज फिल्म अपने स्पाई यूनिवर्स की भी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत सलमान खान स्टारर टाइगर फ्रेंचाइजी से हुई थी। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि सलमान की टाइगर 3 और ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर वॉर भी पठान से कनेक्ट होगी। यशराज फिल्म की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से अभी तक सामने आई अलग अलग रिपोर्ट इस स्पाई यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बता रही है। यशराज फिल्म की एक था टाइगर 2012 में सलमान खान ने इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के एक ऑफिसर अविनाश सिंह राठौड़ उफ टाइगर का किरदार निभाया था। इस किरदार की कहानी टाइगर जिंदा है से आगे बढ़ी थी। 2019 में आई वॉर में ऋतिक रोशन का किरदार कबीर रॉ का एक बागी एजेंट था और टाइगर श्रॉफ का खालिद भी रॉ ऑफिसर था,
जिसे कबीर का पता लगाने का काम दिया गया था। अब पठान में शाहरुख खान भी एक ऐसे ही स्पाई एजेंट का किरदार निभा रहे हैं। टाइगर फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्में और वॉर आपस में किरदारों को लिंक नहीं कर रही थी और इनकी स्टोरी अलग अलग थी, लेकिन स्पाई यूनिवर्स की चौथी फिल्म पठान से किरदारों का क्रॉसओवर शुरू होने वाला है और ये कंफर्म हो चुका है कि टाइगर के रोल में सलमान खान का पठान में एक महत्वपूर्ण कैमियो है। पठान और वॉर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ यशराज फिल्म्स एक और फिल्म फाइटर भी अनाउंस कर चुका है। फाइटर को इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म बताया गया है जिसमें ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है कि ऋतिक इसमें कबीर के किरदार को ही आगे बढ़ाएंगे जो उन्होंने वॉर में भी निभाया था। लेकिन इससे पहले पैनी नजर वाले फैंस ने पठान के टीजर में कुछ ऐसा नोटिस किया है जो इशारा कर रहा है कि शाहरुख और ऋतिक रोशन भी स्पाई यूनिवर्स में साथ नजर आने वाले हैं। वॉर में जहां ऋतिक और टाइगर के किरदार रॉ के ऑफिसर थे, वहीं आशुतोष राणा ने एजेंसी के जॉइंट सेक्रेटरी कर्नल सुनील लुथरा का किरदार निभाया था। अगर आपको वॉर की एंडिंग याद हो तो कर्नल लुथरा आखिर सीन में कबीर से बात कर रहे हैं और उसे फरीद हक्कानी तक पहुंचने के लिए कहते हैं, जो फिल्म में एक बहुत बड़ा विलन था। लेकिन फिल्म में कबीर इस विलन तक नहीं पहुंच पाया था। पठान का टीजर शुरू होते ही सबसे पहले आशुतोष राणा की आवाज में सवाल सुनाई देता है, क्या जानते हो तुम पठान के बारे में। इसके बाद टीजर में डिम्पल कपाड़िया की आवाज आती है जो कहती है, 3 साल से उसकी कोई खबर नहीं है, अपने लास्ट मिशन में वो पकड़ा गया, सुना है बहुत टॉर्चर किया उसे, पता नहीं पठान मर गया है या। इसके बाद शाहरुख खान की एंट्री होती है और वो डिम्पल का डायलॉग पूरा करते हुए कहते हैं, जिंदा है। सोशल मीडिया पर फैंस का मानना है कि आशुतोष राणा पठान में कर्नल लुथरा का ही किरदार निभा रहे हैं और इसलिए ये चांस पूरा है कि स्पाई यूनिवर्स में कबीर और पठान यानी ऋतिक रोशन और शाहरुख खान जल्द ही साथ दिख सकते हैं। कुछ फैंस तो यहाँ तक मान रहे हैं कि ऋतिक रोशन का कैमियो पठान में ही होने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि पठान का विकिपीडिया पेज भी फिल्म में सलमान खान और ऋतिक रोशन दोनों के कैमियो होने की बात कर रहा है। हालांकि इस बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अगर पठान में ऋतिक का कैमियो नहीं भी होता है तो भी इतना लगभग तय है कि स्पाई यूनिवर्स की आने वाली किसी फिल्म में शाहरुख और ऋतिक जरूर साथ आ सकते हैं। ऐसे में फैंस के लिए 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली पठान का करना और भी मुश्किल हो गया है। शाहरुख खान का कमबैक, सलमान का कैमियो और ऋतिक के दिखने की संभावना ने इस फिल्म के लिए जनता की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। ये तो सिर्फ पठान की शुरुआत थी, असली धमाका तो अब आएगा। शाहरुख खान अपने फैंस को हर दिन एक नया सरप्राइज दे रहे हैं। पठान फिल्मों को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट अब 7वें आसमान पे पहुंच गई है। लोग ये फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले तो पठान के पोस्टर ने लोगों को काफी एक्साइटेड कर दिया था और फिर टीजर जब रिलीज हुआ तब तो क्या ही कहना। टीजर रिलीज होने के बाद पठान को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही माहौल नजर आ रहा था और जब आज ये फिल्म से पहला गाना आया बेशरम रंग, सोशल मीडिया पर तबाही मच गई है। हर तरफ शाहरुख खान और दीपिका के चर्चे हो रहे हैं। शाहरुख खान और दीपिका की केमिस्ट्री की भी तारीफें हो रही है। दीपिका ने जो गाने में हॉटनेस दिखाई है उसकी भी तारीफें हो रही है और फैंस को शाहरुख का स्वैग भी बहुत ही पसंद आ रहा है। और ये सब चीजें दर्शक को फिल्म देखने के लिए एक्साइटमेंट करने के लिए काफी है। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि ये शुरुआत है, असली धमाका तो अब होगा, तब जाहिर सी बात है कि ये फिल्म से अभी बहुत कुछ आने वाला है। बता दें कि पठान में सिर्फ एक ही सॉन्ग नहीं होगा, पठान में टोटल 3 गाने रहने वाले हैं, जिसका दूसरा गाना काफी तगड़ा होगा और वो होगा झूमे जो पठान और उसके लिरिक्स होंगे तुमको मोहब्बत करनी है और हमने मोहब्बत की है। लिरिक्स सुनने में ये गाना काफी सिंपल लग रहा है लेकिन जब गाना रिलीज होगा तब आप ये गाने पर थिरकने पर मजबूर हो जाएंगे। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि बेशरम रॉन्ग एक जबरदस्त पार्टी एंथम है। गाने में दीपिका के मूव्स और शाहरुख का स्वैग काफी इम्प्रेसिव लग रहा है। लेकिन ये फिल्म का दूसरा गाना झूमे जो पठान, तुमको मोहब्बत करनी है हमने मोहब्बत की है, ये गाना उससे भी काफी धमाकेदार रहने वाला है। ये गाने को दुबई में आजमाया गया है और ये गाना पठान के पहले गाने से भी काफी दमदार रहने वाला है। बात करें हम फिल्म की तो शाहरुख खान की पठान फिल्म 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म में लीड रोल में शाहरुख खान और दीपिका के अलावा जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। इसके अलावा आशुतोष राणा और डिम्पल कपाड़िया भी देखने को मिलेंगे। बता दें कि ये फिल्म का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद ने किया है, जो पहले भी वॉर, बैंग बैंग जैसी फिल्मों को बना चुके हैं।
सिद्धार्थ आनंद की एक्शन फिल्में काफी जबरदस्त रहती है और शायद इसीलिए यशराज ने इस फिल्म के लिए सिद्धार्थ आनंद को हायर किया था ताकि वो पठान को जस्टिस दे सके। और ट्रेलर और गाने देखकर तो लगता है कि ये फिल्म पहले दिन सबसे बड़ी ओपनर बन सकती है। फिलहाल दोस्तों आपको कैसा लगा बेशरम रंग और आप कितने एक्साइटेड है फिल्म के दूसरे गाने झूमे जो पठान को लेकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें। शाहरुख खान और दीपिका का अब तक का सबसे हॉट है ये गाना, आइए जानते हैं बेस्ट सीन के बारे में। शाहरुख खान अपनी मच अवेडेंट फिल्म पठान को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म के फर्स्ट लुक से लेकर टीजर रिलीज तक पठान के हर अपडेट ने खूब चर्चाएं बटोरी है। अब फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग भी जारी कर दिया गया है। गाने में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इतनी दिलकश नजर आ रही है कि देखने वाला हर शख्स दिल हार बैठेगा। फैंस की बेताबी के बीच सोमवार को पठान का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज कर दिया है। गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण दोनों नजर आ रहे हैं, लेकिन गाने की जान एक्ट्रेस का दिलकश अंदाज है। सॉन्ग में दीपिका कई अलग अलग मोनोकिनी और बिगनी में नजर आ रही है। बीच साइड पर शूट किए गए इस गाने में शाहरुख और दीपिक की केमिस्ट्री देखने लायक है। बेशरम रंग के बोल कुमार ने लिखे है, जबकि शिल्पा राव, करालिस माटेयरो और विशाल शेखर की जोड़ी ने गाने को अपनी आवाज दी है। विशाल शेखर ने ही गाने को तैयार भी किया है। पठान के गाने बेशरम रंग ने रिलीज से पहले ही खूब चर्चा बटोर ली। दो दिन पहले शाहरुख खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने से दीपिका का फर्स्ट लुक जारी करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था और सॉन्ग रिलीज की जानकारी साझा की थी। बेशरम रंग के पोस्टर में दीपिका गोल्डन कलर की मनोकिनी में नजर आई थी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हुई थी और देखते ही देखते एक्ट्रेस ट्रेंड करने लगी थी। शाहरुख खान आखिरी बार अनुष्का शर्मा के साथ फिल्म जीरो में नजर आए थे, जिसे आनंद एलरॉय ने डायरेक्ट किया था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप साबित हुई। वही अब लगभग 4 सालों बाद किंग खान कमबैक कर रहे हैं और उनकी पहली फिल्म पठान होगी, जो अगले महीने सिनेमा घरों में दस्तक देगी। पठान को हिट बनाने के लिए शाहरुख पूरी मेहनत कर रहे हैं। बॉडी बनाने से लेकर फिल्म के प्रमोशन तक किंग खान हर पैतरा आजमा रहे हैं। पठान को यशराज फिल्म के बैनर तले बनाया जा रहा है, जिसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को दुनिया भर के कई एक्जोटिक लोकेशन में शूट किया गया है। स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के अलावा जॉन अब्राहम भी लीड रोल में है। फिल्म 25 जनवरी को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। पठान का जबरदस्त एक्शन तो आपने देख लिया होगा, अब बारी है पठान के धमाकेदार डांस सॉन्ग की। मिलने वाला है जल्द ही बहुत बड़ा सरप्राइज। शाहरुख खान 4 सालों से फिल्मी दुनिया से दूर रहे, लेकिन जब उनके कमबैक की चर्चा हो रही है तो ऐसी चर्चा आज तक किसी बॉलीवुड एक्टर के केस में नहीं हुई। अभी तक पठान से सिर्फ पोस्टर और टीजर रिलीज हुआ है, मानो ऐसा बज बन गया है। फिल्म का बज देखकर लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। हालांकि ये तो शुरुआत है, अभी तो ये फिल्म के गाने और ट्रेलर आने का बाकी है। लेकिन इस बार यशराज पठान को लेकर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि हम सबको पता है, किसी भी फिल्म का सबसे पहले पोस्टर आता है, फिर टीजर और इसके बाद ट्रेलर, और ये सब रिलीज हो जाता है, इसके बाद आते हैं फिल्म के गाने। लेकिन पठान के केस में ऐसा नहीं होगा। पठान के पोस्टर और टीजर के बाद अब मेकर्स फिल्म के गाने को लेकर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यशराज पठान को लेकर कुछ नई स्ट्रेटजी ट्राई कर रही है, ताकि फिल्म को लेकर ऑडियंस में और ज्यादा बज बने। इसलिए अगले हफ्ते वीकेंड पर फिल्म का पहला गाना रिलीज होगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये फिल्म का पहला गाना कौन सा होगा। फिल्म का टाइटल बताया जा रहा है नशा चढ़ा। गाने में म्यूजिक है विशाल शेखर का और आवाज है शेखर रिजवानी की। दरअसल ये गाना एक क्रिएटिव सॉन्ग होगा, जैसा सलमान खान की टाइगर जिंदा है और एक था टाइगर में देखने को मिला था। ये गाना माशाल्लाह और स्वैग से स्वागत की तरह एक क्रिएटिव सॉन्ग होगा, जिसको ब्यूटीफुल तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है। उसको अलग अलग कंट्री में शूट किया गया है और ये गाने में बेहतरीन डांसर भी नजर आएंगे। इसके अलावा गाने में किंग खान, शाहरुख खान और क्वीन दीपिका पादुकोण तो नजर आने ही वाली है। यशराज इस गाने को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है और इसलिए ट्रेलर से पहले ये गाने को रिलीज कर रहा है। यशराज को पता है कि ये गाना जब मार्केट में आएगा तो तहलका मचा देगा और शायद इसी वजह से यशराज इतना बड़ा स्टेप लेने जा रही है। और अगर यशराज की ये स्ट्रेटजी काम आ गई तो पठान को बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। बात करें फिल्म की तो फिल्म में लीड रोल में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम और सलमान खान का कैमियो भी नजर आएगा। इसके अलावा ये फिल्म में आशुतोष राणा और डिम्पल कपाड़िया भी नजर आएंगे। फिल्म का डायरेक्शन दिया है सिद्धार्थ आनंद ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया है यशराज ने।
तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड है पठान के पहले सॉन्ग को लेकर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करें। सॉन्ग अच्छा है, क्या बात है। मैम परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा भी किया। धन्यवाद। पीछे संभालिए आपके केजीएफ थ्री का बेटा भी आई आई बहुत जल्दी कमाल करेंगे। पीछे पीछे थैंक यू। मालो यार तुम लोग चलो मैम। मैम इसको पिक्चर से आपको एक फोटो शूट करो भाई। बस हट जाओ चलो सर कॉन्ग्रेचुलेशन। हो जाओ और यही है वही शानदार सक्सेसफुल स्टोरी। एंड द विनर इज हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू द वन सामान सामान उठा 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 लो कॉन्ग्रेचुलेशन मैं अवार्ड के लिए। मैम वेट ना, मैम इधर ही रुकिए ना, मैम इधर ही, मैम इधर ही। एलनास जी पीछे देखो, पीछे देखो। और थकी हुई हूं आज यार। ओह इधर तो देखो, इधर देखो। थैंक यू।
शनाया मैम, शनाया जी, शनाया जी, शनाया मैम, प्लीज प्लीज प्लीज, पीछे पीछे पीछे, शनाया जी, पीछे तो देखो, शनाया जी, रुके ना रुके ना मैम, रुके ना, एक सेकंड रुके, बहुत टाइम से पीछे पीछे आ रहे हैं, रुके ना रुके ना, मैम रुके ना जरा यहाँ पे, एक मिनट थैंक यू, खुशी जी केदारनाथ रणवीर जी, रणवीर जम अरे रुको भाई रुको जरा, बस 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 बराबर 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 नहीं थोड़ा सा आगे रुकिए मैडम, थैंक यू प्रीति जी, संजय सर इधर रुकिए ना दो मिनट सर, थैंक यू सर, एवरीबॉडी लॉट ऑफ नॉइज, क्या हो रहा है, शोर क्यों कम हो रहा है, ओ माई गॉड, आई जस्ट कांट वेट फॉर 23rd December. सर आपने सर बिल्कुल सही कहा था, ये क्रिसमस गिफ्ट ही है एक्चुअली, इतनी हैप्पीनेस, इतनी इलेक्ट्रिसिटी और आपका डबल रोल, पता नहीं क्या ही होने वाला है, वी आर रियली रियली हैप्पी. रोहित सर वुड यू लाइक टू से समथिंग, मजा आ गया लिटरली इन वन वर्ड, क्या बोलना है अभी, अच्छा लगा आपका ट्रेलर, मतलब जा भी जा रहे हैं हम यही बोल रहे हैं 23 दिसंबर को आ रही है सर्कस, मैंने भी बोला अभी वो बोला ना आपने भी, यस आई थिंक अभी तक तो सबको पता है और सब जाने ही वाले हैं, एंड स्पेशली सर द सॉन्ग, आई डोंट नो, मेरा वहां पे बहुत मुश्किल हो रहा था अपना डांस कंट्रोल करना, यहां पे भी काफी लोगों का नाच निकल निकल के बाहर आ रहा था, अग्री और डिसएग्री, क्रेजी सॉन्ग, क्रेजी सॉन्ग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, एंड नाउ आफ्टर दिस रोहित सर आई'd लाइक टू रिक्वेस्ट यू, ये मेरे पास है एक रिमोट कंट्रोल, सो अभी तो हमने डॉल्बी एटमॉस का इस बिग स्क्रीन पे फील लिया, we watch the circus trailer and the song, ab bari hai, we all know these days we watch films on the OTT also, ab ghar ke atmosphere mein kya feel aayega Dolby Atmos mein,
हाँ वो भी देखना जरूरी है. सो नाउ सर रिमोट टू यू, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड एवरीबॉडी प्लीज मेक वे फॉर सर एंड प्लीज टर्न ऑन द पावर. नाउ वी विल वॉच द सर्कस ट्रेलर एंड द सॉन्ग ऑन द डॉल्बी एटमॉस इनेबल्ड एलजी ओलेड टीवी. सो लेट्स टेक दिस फील ऑल्सो, अभी ये भी फील लेकर देखते हैं. हाँ सर आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए बिकॉज वी वुड वॉन्ट एवरीबॉडी टू सी दिस. थोड़ा पीछे, आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा है स्क्रीन, काफी बड़ा स्क्रीन है और एनी विच वे इज डॉल्बी एटमॉस की वजह से आप अच्छे से फील कर पाएंगे. एंड ऑफकोर्स दिस लाइट ऑल्सो प्लीज रिक्वेस्ट यू टू टर्न ऑफ दिस लाइट प्लीज. टर्न ऑन करना, ऑन ऑफ करना, यस सर जस्ट पावर ऑन. तो ऑफ, सो आई रिक्वेस्ट रोहित सर एंड रणवीर सर. फिर भी व्योमा मैडम मेरे को लगता है ऐसी पिक्चर तो बड़े स्क्रीन पे देखनी चाहिए. 100% सर, 100% हम तो बड़े स्क्रीन पर ही देखेंगे और आप भी बड़े स्क्रीन पर ही देखेंगे, राइट? एब्सोल्युटली अग्री. सो नाउ आईड लाइक टू रिक्वेस्ट रोहित सर एंड रणवीर सर, यू कैन कम हियर फॉर द फोटो ऑप बोथ ऑफ यू. यस सर प्लीज. आई जस्ट योर ओनली. ओके रोहित सर, वील डू द फोटो ऑप योर ओनली. Year only, yeah. And yes, all our media friends, it's your time. You can come ahead and do the photo op. And everybody, do not forget, outside we have a demo zone. There you can go and listen to the music also. As I earlier said, that we are everywhere. We are there on the big screen. We are there on the television. We are also there on your mobile phones. So you can listen to the music on Apple Music. With Dolby Atmos on your mobile phones, you can go out and experience that. Sure? Right now, you can come forward for the photo op. All right. Thank you, everybody. One more time, a big, big round of applause for Roy Cherry, sir. Ranveer Singh. Now I'd like to request the TV channels to please come forward. Yeah. Everybody, you can do the pictures from there only. Do not come forward. This is the only space we have. Okay. Thank you very much, Rohit Shetty sir, and thank you, Ranveer Singh, everybody. Thank you very much, sir. Thank you. And thank you, everybody, for being here with us. More. I mean, this is the moment we have been waiting for. Welcome, sir. Welcome. And last but not the least, powerhouse of awesomeness, superstar Ranveer Singh. Woo! करंट लगा के एंड आप लोगों का शोर थोड़ा कम है, थोड़ा ऊंची आवाज उठाइए, जितनी जान है लगा दीजिए. कम ऑन सॉन्ग सॉन्ग. एवरीथिंग एवरीबॉडी मेक सम नॉइस, इट्स रणवीर सिंह इन द हाउस. लगना चाहिए, थोड़ा पावर दिखाओ अपनी. पब्लिक आवाज करो, वो भी डॉल्बी लेवल का. ये तो नॉर्मल हो गया, अभी डॉल्बी एटमॉस. ये हुई ना बात. गाना सुना ये हिट वाला? नहीं सुना तो सुनो.
This is such a picture perfect moment. Okay, baki hum sab ke liye to theek hai. Mr. Javier, if you're thinking this is something abnormal, it's not at all for us. That's why you see everyone is happy and nobody's reacting, because that's normal for us when it's Ranveer Singh. This is Mr. Javier, aur main hoon jo sab pe Javier hai. Hai ki nahi? Hai ki nahi? Correct, correct. All right, so I think this is a perfect moment and aap log photo khich sakte hain, but we'll give you the photo opportunity later on. So as of now, I would request the whole Dolby team to please take back their seat, and also Neeraj sir, and request Ranveer sir. Yeah. Achha, but I'm dying to see it in Dolby. Mr. Javier, you know I am Dolby Atmos human version. Because I don't make sound, I'm a full experience. Okay, everybody, it's my moment right now, because I am getting the opportunity to ask the question to Rohit sir and Ranveer Singh. So Rohit sir, we'll start with you. So first question, I would like to ask you that it's been long time since you associated with Dolby Atmos. We have seen your films, Suryavanshi and all the films, Singham, Simba. So how have your association been with Dolby Atmos till now? It's been great, I think, because every film what we make is like, most important thing is like, we have upgraded in film, like it's gone digital, now we have CGI, we have everything. But imagine the biggest and the greatest CGI film without sound. That's Dolby. That's like a human without a soul. So absolutely, Dolby is like absolutely a soul for a film. You know, without sound, there's nothing. And the way they have upgraded themselves, and now Atmos, it's been 10 years now. I still remember watching Suryavanshi, my own film in Atmos. Now just imagine that chopper sequence without Atmos. It's nothing. Can't imagine. Just can't imagine that. So Dolby is like a soul for every film. Well said, sir. Well said. So now another question is, yes. Aap log taaliyan kyun nahi baja rahe? Kya ho gaya? I understand Ranveer Singh is here. Rohit sir is here. Wo hote na jab. Acha. Nahi, kya ho kya raha hai? Aap. Dekho, samajh mein nahi aaya Atmos kya hai. Pehle side se aata tha, abhi upar se bhi aata hai. This is the exact line. All right. So another question. So what do you want to tell your audience when they come in theater to watch the film Circus in Dolby Atmos? What do you want to tell them? Like, we've created a world. And when I say a world, it's important because the film is based in late 60s and 70s. And we have tried to create an era. And we want ke jab theater se bahar log aaye to, it's like a world. Okay. And we always say it's for mass, it's for youngsters, but it is for them. Okay. But it is for the elderly people of our family also, which okay is basically my audience. For all the age groups. Age groups. And okay, the film is and there are a lot of old songs. We have created okay that moment. Try to create that era, that experience, and I think people are going to love it. Okay, can't wait, of course. And last but not the least, so as you all know, we are celebrating 10 years today. So any message you want to give it to us? सर मैं ही बोलूं भैया? हाँ सर भी बोलेंगे, आपके क्वेश्चन, बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और फिर मैं रणवीर सर के पास आऊंगी, बस पूछना व्योमा पूछना। हाँ, अरे सर, यू मेड माय डे। आपसे एटमॉस्फियर तो बना, एटमॉस्फियर तो बनाओ यार, थोड़ा आप लोग बनाओगे तभी ज्यादा मजा आएगा। आई थिंक यू ऑल शुड बुक दिस रजिस्टर एटमॉस्फियर। मैं इसे बोलते हैं रणवीर सिंह वर्ड प्ले। और एक ब्रांड आया तेरे पास अभी 44 हो जाएगा एटमॉस आया तो। मैं ही हूँ है ना, ब्रांड बनाना। अच्छा अभी मैं बताता हूँ, हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ जो मेरी तरह एग्जैक्टली जानते नहीं है डॉल्बी एटमॉस का चक्कर क्या है। ठीक है, अभी बीच वाले थोड़े शांत रहेंगे, ठीक है ना। ये जिनका शर्ट माइंड इज ब्लोइंग है उनको पकड़ते हैं। हाँ, आप इस तरफ, उस तरफ से हावियर सर को पकड़ते हैं। हाँ, ये शर्ट मेरे को चाहिए बॉस। हाँ, टेक इट ऑफ का चैलेंज देता हूँ, टेक इट ऑफ। देख कितने लोग बैठे। पगले, टेक ऑफ तो मैं करूंगा तो मजा आएगा। हावियर सर आप इस तरफ, अरे इंग्लिश, यू आर ऑन दिस साइड। ओके, अभी कोई कुछ नहीं करेगा, आप बजाओ ताली, ताली बजाओ। ओके, थैंक यू, वेरी गुड, क्या बजाए। हावियर सर आप ताली बजाओ। हाँ, अभी बीच वाले तुम लोग एटमॉस हो, अभी सब ताली बजाओ। ये है एटमॉस का फील, अब समझे। वो एक्चुअली मेरे को भी नहीं मालूम था।
oh मैं इधर बैठा था बॉस के सामने और खुसुर बुसुर चल रहा था, यही पूछ रहा बॉस क्या हेडफोन्स क्या है। फिर बॉस ने मेरे को समझाया कि देखो उधर स्पीकर है, ऊपर 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 देखेंगे तो स्पीकर, उधर स्पीकर है, ये हो गया डॉल्बी, अभी ऊपर वाला स्पीकर, ऊपर वाला जो किधर है, हाँ ऊपर पूरे लगे हुए, ये होता है डॉल्बी एटमॉस। और बड़ी पिक्चर के लिए बड़ा साउंड चाहिए रहता है, तो सर्कस देखना डॉल्बी एटमॉस में। Exactly, noted, noted. Now it's now I'll ask questions. We have a brand ambassador ready for Dolby as well. Okay, now questions to Mr. Ranveer Singh. Ranveer sir, पहले आप बताइए आपका experience कैसा रहा रोहित सर के साथ काम करने का? खराब होगा तो बोलेंगे। हाँ, इस film में specifically, वो कि पहले भी हो चुका, we know that, but about this film. Madam, ये film तो हमने हंसते खेलते बनाई है, लोगों को हंसाने के लिए हमने हंसते हंसते बनाई है। इतना मैं बता दूं, वन ऑफ द वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट, वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स टू कम बैक ऑन द फ्लोर पोस्ट कोविड, ड्यूरिंग कोविड, कोविड प्रोटोकॉल्स के लिए बॉस के बहुत खर्चे हुए थे इन करोड़, ओके, बट वी हैड वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी वास्ट एंड एक्सटेंसिव कोविड प्रोटोकॉल्स एंड वी वेंट बैक ऑन द फ्लोर, वी मेड इट एट अ टाइम वेयर यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग इन द वर्ल्ड, आवर टीम was raring to go, everybody ek saal baithe the ghar pe, we were all supercharged, raring to go, getting back to where we belong, the film set, the films, absolutely, and this man had the fortitude to put it all together in a way where he kept everybody safe and brought them back to fulfill their destiny, to do what they do best. We made it with all our heart, and like my co-actor Siddharth Jadhav, he puts it very beautifully. Everybody asks him, what is this film about? And he says, it's like a Christmas gift from Rohit Shetty and team. Can't agree more. Absolutely. It is. Like the Christmas is going to be beautiful. Big and colorful box wrapped nicely with a ribbon that's just kept there for you, the audience. Hamara tohfa audience ke liye Christmas gift. And then he also goes on to say how we are so excitedly waiting for this box to open. Because actually, we know we what are. Kind of joy it's going to give the person who opens the box. So this is a Christmas gift for our beloved audience from Rohit Shetty and team. Thank you once again, sir. And of course, next question is, how has been your experience with Dolby Atmos till now? Abhi dekhte? Aap trailer dikhao, gaana dikhao. Yes, yes, of course. Dekhne ke baad, iske, uske pehle ek aur bahut important questions. तो आपकी बहुत सारी फिल्म्स हम सभी ने देखी है, ये पहली बार होगा जब हम आपको डबल रोल में देखेंगे, आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? वी वांट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट दिस। आई वाज इट वाज फन, इट वाज फन, आई वोंट स्पीक मच अबाउट द कैरेक्टर्स, उतना जो डिफरेंस है वो हां आप फिल्म में देख लो कैसा है, ट्रेलर में भी देखेंगे और फिल्म में भी देखेंगे, बहुत मजा आया, करेक्ट, लेकिन हाँ Dolby Atmos के बिना हम आर्टिस्ट कैसे अपनी बात पहुंचाते दिल तक? करेक्ट, फिल्म्स आर अ सेंसरी एक्सपीरियंस, यू नो, यू इट्स ऑडियो विजुअल, एब्सोल्युटली, यू हियर, यू सी एंड यू फील, सो फील कराने के लिए बात कान तक पहुंचनी चाहिए ना, तो जो मेरे डायलॉग्स हैं वो जब Dolby Atmos में सुनाई देते हैं सीधा इधर तक पहुंचते हैं, बिल्कुल 100% बिल्कुल पहुंचते हैं, थैंक यू बारी पहुंचते हैं हावियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट बिग एंड वंडरफुल एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, इट हेल्प्स अस फिल्म मेकर्स एंड स्टोरी टेलर्स एंड आर्टिस्ट्स रियली गिव द ऑडियंस अ इमोशनल एंड सेंसरी एक्सपीरियंस दैट इज कंप्लीटली इमर्सिव, सो ऑल क्रेडिट टू यू एंड योर टीम, thank you for your contribution to cinema in general, thank you. So Mr. Ranveer, now I am feeling the current because everybody knows your energy is so contagious, so it's time for everybody in this audience to feel that current, and it's time for is you know that what time? Yeah, it's that Shall time feel? Yes, so everybody, yes, finally it's time, we're going to be witnessing the circus trailer, the song on this big screen in Dolby Atmos, let's watch that. रिलीज हुआ पठान फिल्म का सॉन्ग बेशरम रंग, माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुँचे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान का सॉन्ग बेशरम रंग सोमवार 12 दिसंबर को 11 बजे सुबह रिलीज कर दिया गया है।
रिलीज होने के महज 15 मिनट में बेशरम रंग यूट्यूब पर 2.5 लाख से अधिक यूज आ चुके हैं। सॉन्ग रिलीज के ठीक पहले सोमवार की देर रात शाहरुख खान ने माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुंचकर प्रार्थना की है। लंबे समय बाद शाहरुख खान बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। 25 जनवरी 2023 को उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान रिलीज होने के लिए तैयार है। शाहरुख इसकी सक्सेस के लिए कटरा स्थित माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे और वहां उन्होंने माथा टेक कर माता के दर्शन करते हुए प्रार्थना की। पठान फिल्म का गाना बेशरम रंग भी आज सोमवार को सुबह 11 बजे रिलीज हो गया है। शाहरुख खान दुनिया के सबसे व्यस्ततम अभिनेतियों में गिने जाते हैं। उनके पास काम ही काम होता है, लेकिन काम के बीच वे ईश्वर के दर्शन और प्रार्थना के लिए समय निकालना नहीं भूलते। जनवरी 2023 में उनकी फिल्म पठान रिलीज होने जा रही है। इसके पहले शाहरुख खान ईश्वर के दर्शन भी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मक्का मदीना का रुख किया था। इसके बाद सोमवार की देर रात वे कटरा स्थित माँ वैष्णो देवी मंदिर भी पहुंचे और प्रार्थना की। मंदिर में शाहरुख खान ने माता के सामने माथा टेका। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ने अपने अन्य साथियों के साथ माँ वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाकर पूजा अर्चना की। शाहरुख ने चेहरे पर मास्क लगाया था ताकि लोगों की पहचान में न आए। हर धर्म को मानते हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान को आपने फिल्म पर्दे पर कई अलग रूप में देखा होगा। कभी रोमांस तो कभी एक्शन किंग बनकर उन्होंने लोगों के दिल जीते, लेकिन असल जिंदगी में शाहरुख खान एक ट्रू फैमिली मैन होने के साथ काफी धार्मिक भी है। वे हर धर्म को एक समान मानते हैं। तभी तो मक्का जाकर उमराह करने के बाद शाहरुख खान अब माँ वैष्णो देवी के मंदिर पहुंच गए हैं। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म 25 जनवरी 2023 में शाहरुख खान की पठान रिलीज हो रही है। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण है। इसके बाद 2023 में जून माह में फिल्म जवान रिलीज होगी और इसी साल के अंत में शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज होगी, जिसकी शूटिंग हाल ही में सऊदी अरब में पूरी हुई है। वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे शाहरुख खान, पठान की सक्सेस के लिए की प्रार्थना। हिंदी सिनेमा के किंग शाहरुख खान हाल ही में वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी के लिए पहुंचे। वैष्णो देवी मंदिर से शाहरुख के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस दौरान शाहरुख खान काले रंग के लिबास में दिखाई दिए। लंबे वक्त बाद शाहरुख खान की फिल्म पठान बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। ऐसे में शाहरुख फिल्म की कामयाबी की दुआ करने वैष्णो देवी पहुंचे। खास बात यह है कि हाल ही में किंग खान ने सऊदी अरब में उमरा भी किया था। शाहरुख खान को रविवार को कटरा में देखा गया। सिक्योरिटी के साथ शाहरुख वैष्णो देवी पहुंचे। यहां उनके साथ कुछ दोस्त भी थे। शाहरुख ने चेहरे पर मास्क लगाया था जिससे लोग उन्हें पहचान न पाए। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर में दर्शन करने के बाद शाहरुख खान आज मुंबई वापस लौट आएंगे। शाहरुख खान हर धर्म का सम्मान करते हैं, इसका सबूत उन्होंने कई मौके पर पेश किया है। शाहरुख खान एक मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने एक हिंदू लड़की गौरी खान से शादी की है। कई बार उन्होंने इंटरव्यूज के दौरान बताया है कि उनके घर में एक ही जगह पर हिंदू धार्मिक ग्रंथ गीता और मुसलमानों की धार्मिक किताब कुरान शरीफ रखी हुई है। यही नहीं, एक इंटरव्यूज में जब पत्रकार ने उन्हें कहा कि मान लीजिए आप शेखर कृष्ण होते एसके, इस पर किंग खान ने बीच में टोकते हुए अपने ही खास अंदाज में उन्हें जवाब दिया था। उन्होंने कहा था शेखर राधा कृष्ण एसआरके। किंग खान के इस जवाब से सभी खुश हो गए थे। गौरतलब की हाल ही में शाहरुख सऊदी अरब में हुई रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने मक्का जाकर मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थल काबा का दीदार किया और उमरा भी किया। उनके उमरा करने की कई तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। शाहरुख खान एक लंबे अरसे बाद फिल्म पठान से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। पठान को लेकर शाहरुख काफी उत्साहित है। वही फैंस भी किंग खान की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी लीड रोल में दिखेंगे। शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पठान का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज। शाहरुख दीपिका की सिजिलिंग केमिस्ट्री देख फैंस बोले फायर है। फिल्म पठान बी टाउन की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इन दिनों इंडस्ट्री फिल्म का बज बना हुआ है। फैंस भी फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इस बीच मेकर्स ने लाखों चाहने वालों को तोहफा दिया है और फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज कर दिया गया है। फैंस को इस गाने का बेसब्री से इंतजार था। गाना रिलीज होते ही इसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टार पठान का गाना बेशरम रंग आउट होते ही छा गया है। महज कुछ ही मिनटों में इसे लाखों व्यूज मिल गए है। गाने में जबरदस्त डांस मूव्स है, साथ ही शाहरुख और दीपिका की केमिस्ट्री भी लाजवाब है। दीपिका पादुकोण ने अपने ग्लैमरस लुक को फैंस को कायल कर दिया है। शाहरुख और दीपिका ने अपने डांस और केमिस्ट्री से लोगों के दिलों में जगह बना दी है। बात करें गाने के बारे में तो इस सॉन्ग को विशाल और शेखर ने म्यूजिक दिया है। इसके बोल कुमार के है। गाने को शिल्पा राव, कैरालिसिया मोटेरियो, विशाल और शेखर ने गाया है। इसका स्पेनिश लिरिक्स विशाल ददलानी ने दिया है। गाने में जो आपको जबरदस्त डांस मूव्स दिख रहे हैं
उससे फेमर कोरियोग्राफी वैभवी मर्चेंट ने कोरियोग्राफ किया है। जैसे ही यूट्यूब पर इस गाने को रिलीज किया गया, फैंस के बीच छा गया। कुछ लोग इसे मास्टरपीस बता रहे हैं, तो वही कुछ ने इसे कंप्लीट फायर बताया है। यही नहीं, कई लोग गाने को इस साल का चार्ट बस्टर बता रहे हैं। कुछ फैंस शिल्पा राव की आवाज को पसंद कर रहे हैं। गाने को देखकर इतना तो साफ है कि ये अब सभी पार्टियों में बजने वाले गानों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। पठान में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के अलावा जॉन अब्राहम भी लीड रोल में नजर आएंगे। यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। पठान को 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। गौरी खान बेशर्म रंग सॉन्ग में शाहरुख खान और दीपिका को देख हुई दीवानी। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने को किया प्रमोट। शाहरुख खान के फैंस का इंतजार अब फाइनली पूरा हो चुका है। लंबे समय से फैंस 12 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बीते काफी दिनों से शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म पठान से एक से बढ़कर एक दीपिका पादुकोण को पोस्टर रिलीज करते नजर आए थे। वही बीते दिनों उन्होंने अपना भी दमदार लुक रिलीज किया था, जिसके बाद से ही बेशरम रंग सॉन्ग को लेकर लोगों ने काफी एक्साइटमेंट दिखने को मिली। लेकिन ये एक्साइटमेंट अब फाइनली पूरी हो चुकी है, क्योंकि बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने अपनी फिल्म पठान से बेशरम रंग सॉन्ग को रिलीज कर दिया गया है। यहाँ तक कि इस सॉन्ग को लेकर शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान में भी काफी दीवानगी देखने को मिली। वह खुद इस सॉन्ग को लेकर एक्साइटेड दिखी और ये एक्साइटमेंट उन्होंने साफ तौर पर जाहिर की है। खुद गौरी खान इस सॉन्ग को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से प्रमोट कर अपने फैंस को यह सॉन्ग देखने के लिए उत्सुक करती नजर आई। पठान का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज होने के साथ फैंस की जुबा पर चढ़ गया है। सॉन्ग रिलीज से पहले इसकी ग्लैमरस झलक शेयर की गई थी। दीपिका पादुकोण समंदर किनारे मनोकनी पहले सिजलिंग लुक सामने आया था। इसके बाद शाहरुख खान का स्वैग दिखा। दोनों स्टार्स की कमाल की झलक देखने के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को अब साथ देखने के लिए तैयार हो जाइए। सॉन्ग बेशरम रंग की किंग खान और दीपिका पादुकोण की दमदार केमिस्ट्री नजर आ रही है। इससे पहले इन दोनों स्टार्स को अपने चेन्नई एक्सप्रेस और ओम शांति ओम मूवी में देखा होगा। शाहरुख और दीपिका की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर हिट रही है। पठान में एक बार फिर दीपिका शाहरुख खान का रोमांस बड़े पर्दे पर छाने वाला है। गाने को शिल्पा राव, कैरालिसा मोडेरियो, विशाल और शेखर ने गाया है। लिरिक्स है कुमार के। इस फिल्म का म्यूजिक विशाल और शेखर ने दिया है। गाने को कोरियोग्राफी किया है वैभवी मर्चेंट ने। जैसे ही यूट्यूब पर इस गाने को रिलीज किया गया, फैंस के बीच छा गया। कुछ लोग इसे मास्टरपीस बता रहे हैं, तो वही कुछ ने इसे कम्प्लीटली फायर बताया है। यही नहीं, कई लोग गाने को इस साल का चार्ट बस्टर बता रहे हैं। कुछ फैंस शिल्पा राव की आवाज को पसंद कर रहे हैं। गाने को देखकर इतना तो साफ है कि ये अब सभी पार्टियों में बजने वाले गानों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, यह सॉन्ग आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। पठान के टीजर से सामने आ गई पूरी स्पाई यूनिवर्स की कहानी। टीजर में है शाहरुख और ऋतिक के साथ आने का ये बड़ा हिंट। शाहरुख खान के बर्थडे पर उनके फैंस को बड़ा तोहफा मिला और किंग खान की नई फिल्म पठान की टीजर रिलीज हो गया। टीजर देखने के बाद शाहरुख फैंस उनके जबरदस्त एक्शन अवतार के दीवाने हुए जा रहे हैं। फिल्म के लिए शाहरुख का ट्रांसफॉर्मेशन भी फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। नए हेयर स्टाइल और दमदार बॉडी के साथ वो स्क्रीन पर कहर ढाते दिख रहे हैं। पठान के टीजर में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण का सुपर स्टाइलिश अवतार और पावरफुल विलन के रोल में जॉन अब्राहम की भी तारीफ हो रही है। पठान के साथ यशराज फिल्म अपने स्पाई यूनिवर्स की भी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत सलमान खान स्टारर टाइगर फ्रेंचाइजी से हुई थी। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि सलमान की टाइगर 3 और ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर वॉर भी पठान से कनेक्ट होगी। यशराज फिल्म की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से अभी तक सामने आई अलग अलग रिपोर्ट इस स्पाई यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बता रही है। यशराज फिल्म की एक था टाइगर 2012 में सलमान खान ने इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के एक ऑफिसर अविनाश सिंह राठौड़ उर्फ टाइगर का किरदार निभाया था। इस किरदार की कहानी टाइगर जिंदा है से आगे बढ़ी थी। 2019 में आई वॉर में ऋतिक रोशन का किरदार कबीर रॉ का एक बागी एजेंट था और टाइगर श्रॉफ का खालिद भी रॉ ऑफिसर था, जिसे कबीर का पता लगाने का काम दिया गया था। अब पठान में शाहरुख खान भी एक ऐसे ही स्पाई एजेंट का किरदार निभा रहे हैं। टाइगर फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्में और वॉर आपस में किरदारों को लिंक नहीं कर रही थी और इनकी स्टोरी अलग अलग थी, लेकिन स्पाई यूनिवर्स की चौथी फिल्म पठान से किरदारों का क्रॉसओवर शुरू होने वाला है। और ये कंफर्म हो चुका है कि टाइगर के रोल में सलमान खान का पठान में एक महत्वपूर्ण कैमियो है। पठान और वॉर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ
यशराज फिल्म्स एक और फिल्म फाइटर भी अनाउंस कर चुका है। फाइटर को इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म बताया गया है, जिसमें ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है कि ऋतिक इसमें कबीर के किरदार को ही आगे बढ़ाएंगे, जो उन्होंने वॉर में भी निभाया था। लेकिन इससे पहले पैनी नजर वाले फैंस ने पठान के टीजर में कुछ ऐसा नोटिस किया है जो इशारा कर रहा है कि शाहरुख और ऋतिक रोशन भी स्पाई यूनिवर्स में साथ नजर आने वाले हैं। वॉर में जहां ऋतिक और टाइगर के किरदार रॉ के ऑफिसर थे, वहीं आशुतोष राणा ने एजेंसी के जॉइंट सेक्रेटरी कर्नल सुनील लुथरा का किरदार निभाया था। अगर आपको वॉर की एंडिंग याद हो तो कर्नल लुथरा आखिर सीन में कबीर से बात कर रहे हैं और उसे फरीद हक्कानी तक पहुंचने के लिए कहते हैं, जो फिल्म में एक बहुत बड़ा विलन था। लेकिन फिल्म में कबीर इस विलन तक नहीं पहुंच पाया था। पठान का टीजर शुरू होते ही सबसे पहले आशुतोष राणा की आवाज में सवाल सुनाई देता है, क्या जानते हो तुम पठान के बारे में। इसके बाद टीजर में डिंपल कपाड़िया की आवाज आती है, जो कहती है, 3 साल से उसकी कोई खबर नहीं है, अपने लास्ट मिशन में वो पकड़ा गया, सुना है बहुत टॉर्चर किया उसे, पता नहीं पठान मर गया है या। इसके बाद शाहरुख खान की एंट्री होती है और वो डिंपल का डायलॉग पूरा करते हुए कहते हैं, जिंदा है। सोशल मीडिया पर फैंस का मानना है कि आशुतोष राणा पठान में कर्नल लुथरा का ही किरदार निभा रहे हैं और इसलिए ये चांस पूरा है कि इस स्पाई यूनिवर्स में कबीर और पठान यानी ऋतिक रोशन और शाहरुख खान जल्द ही साथ दिख सकते हैं। कुछ फैंस तो यहाँ तक मान रहे हैं कि ऋतिक रोशन का कैमियो पठान में ही होने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि पठान का विकिपीडिया पेज भी फिल्म में सलमान खान और ऋतिक रोशन दोनों के कैमियो होने की बात कर रहा है। हालांकि इस बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अगर पठान में ऋतिक का कैमियो नहीं भी होता है तो भी इतना लगभग तय है कि स्पाई यूनिवर्स की आने वाली किसी फिल्म में शाहरुख और ऋतिक जरूर साथ आ सकते हैं। ऐसे में फैंस के लिए 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली पठान का करना और भी मुश्किल हो गया है। शाहरुख खान का कमबैक, सलमान का कैमियो और ऋतिक के दिखने की संभावना ने इस फिल्म के लिए जनता की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। ये तो सिर्फ पठान की शुरुआत थी, असली धमाका तो अब आएगा। शाहरुख खान अपने फैंस को हर दिन एक नया सरप्राइज दे रहे हैं। पठान फिल्मों को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट अब सातवें आसमान पे पहुंच गई है। लोग ये फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले तो पठान के पोस्टर ने लोगों को काफी एक्साइटेड कर दिया था और फिर टीजर जब रिलीज हुआ तब तो क्या ही कहना। टीजर रिलीज होने के बाद पठान को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही माहौल नजर आ रहा था और जब आज ये फिल्म से पहला गाना आया बेशरम रंग, सोशल मीडिया पर तबाही मच गई है। हर तरफ शाहरुख खान और दीपिका के चर्चे हो रहे हैं। शाहरुख खान और दीपिका की केमिस्ट्री की भी तारीफें हो रही है। दीपिका ने जो गाने में हॉटनेस दिखाई है उसकी भी तारीफें हो रही है और फैंस को शाहरुख का स्वैग भी बहुत ही पसंद आ रहा है और ये सब चीजें दर्शक को फिल्म देखने के लिए एक्साइटमेंट करने के लिए काफी है। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि ये शुरुआत है, असली धमाका तो अब होगा, तब जाहिर सी बात है कि ये फिल्म से अभी बहुत कुछ आने वाला है। बता दें कि पठान में सिर्फ एक ही सॉन्ग नहीं होगा, पठान में टोटल 3 गाने रहने वाले हैं, जिसका दूसरा गाना काफी तगड़ा होगा और वो होगा झूमे जो पठान और उसके लिरिक्स होंगे तुमको मोहब्बत करनी है और हमने मोहब्बत की है। लिरिक्स सुनने में ये गाना काफी सिंपल लग रहा है लेकिन जब गाना रिलीज होगा तब आप ये गाने पर थिरकने पर मजबूर हो जाएंगे। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि बेशरम रॉन्ग एक जबरदस्त पार्टी एंथम है। गाने में दीपिका के मूव्स और शाहरुख का स्वैग काफी इम्प्रेसिव लग रहा है। लेकिन ये फिल्म का दूसरा गाना झूमे जो पठान, तुमको मोहब्बत करनी है हमने मोहब्बत की है, ये गाना उससे भी काफी धमाकेदार रहने वाला है। ये गाने को दुबई में आजमाया गया है और ये गाना पठान के पहले गाने से भी काफी दमदार रहने वाला है। बात करें हम फिल्म की तो शाहरुख खान की पठान फिल्म 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म में लीड रोल में शाहरुख खान और दीपिका के अलावा जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। इसके अलावा आशुतोष राणा और डिंपल कपाड़िया भी देखने को मिलेंगे। बता दें कि ये फिल्म का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद ने किया है, जो पहले भी वॉर, बैंग बैंग जैसी फिल्मों को बना चुके हैं। सिद्धार्थ आनंद की एक्शन फिल्में काफी जबरदस्त रहती है और शायद इसीलिए यशराज ने इस फिल्म के लिए सिद्धार्थ आनंद को हायर किया था ताकि वो पठान को जस्टिस दे सके। और ट्रेलर और गाने देखकर तो लगता है कि ये फिल्म पहले दिन सबसे बड़ी ओपनर बन सकती है। फिलहाल दोस्तों आपको कैसा लगा बेशरम रंग और आप कितने एक्साइटेड है फिल्म के दूसरे गाने झूमे जो पठान को लेकर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें। शाहरुख खान और दीपिका का अब तक का सबसे हॉट है ये गाना।
आइए जानते हैं बेस्ट सीन के बारे में। शाहरुख खान अपनी मच अवेडेंट फिल्म पठान को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म के फर्स्ट लुक से लेकर टीजर रिलीज तक पठान के हर अपडेट ने खूब चर्चाएं बटोरी है। अब फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग भी जारी कर दिया गया है। गाने में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इतनी दिलकश नजर आ रही है कि देखने वाला हर शख्स दिल हार बैठेगा। फैंस की बेताबी के बीच सोमवार को पठान का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज कर दिया है। गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण दोनों नजर आ रहे हैं, लेकिन गाने की जान एक्ट्रेस का दिलकश अंदाज है। सॉन्ग में दीपिका कई अलग अलग मनोकिनी और बिगनी में नजर आ रही है। बीच साइड पर शूट किए गए इस गाने में शाहरुख और दीपिक की केमिस्ट्री देखने लायक है। बेशरम रंग के बोल कुमार ने लिखे हैं, जबकि शिल्पा राव, करालिस माटेयरो और विशाल शेखर की जोड़ी ने गाने को अपनी आवाज दी है। विशाल शेखर ने ही गाने को तैयार भी किया है। पठान के गाने बेशरम रंग ने रिलीज से पहले ही खूब चर्चा बटोर ली। दो दिन पहले शाहरुख खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने से दीपिका का फर्स्ट लुक जारी करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था और सॉन्ग रिलीज की जानकारी साझा की थी। बेशरम रंग के पोस्टर में दीपिका गोल्डन कलर की मनोकिनी में नजर आई थी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हुई थी और देखते ही देखते एक्ट्रेस ट्रेंड करने लगी थी। शाहरुख खान आखिरी बार अनुष्का शर्मा के साथ फिल्म जीरो में नजर आए थे, जिसे आनंद एल रॉय ने डायरेक्ट किया था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप साबित हुई। वही अब लगभग 4 सालों बाद किंग खान कमबैक कर रहे हैं और उनकी पहली फिल्म पठान होगी, जो अगले महीने सिनेमा घरों में दस्तक देगी। पठान को हिट बनाने के लिए शाहरुख पूरी मेहनत कर रहे हैं। बॉडी बनाने से लेकर फिल्म के प्रमोशन तक किंग खान हर पैतरा आजमा रहे हैं। पठान को यशराज फिल्म के बैनर तले बनाया जा रहा है, जिसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को दुनिया भर के कई एक्जोटिक लोकेशन में शूट किया गया है। स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के अलावा जॉन अब्राहम भी लीड रोल में है। फिल्म 25 जनवरी को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। पठान का जबरदस्त एक्शन तो आपने देख लिया होगा, अब बारी है पठान के धमाकेदार डांस सॉन्ग की। मिलने वाला है जल्द ही बहुत बड़ा सरप्राइज। शाहरुख खान 4 सालों से फिल्मी दुनिया से दूर रहे, लेकिन जब उनके कमबैक की चर्चा हो रही है तो ऐसी चर्चा आज तक किसी बॉलीवुड एक्टर के केस में नहीं हुई। अभी तक पठान से सिर्फ पोस्टर और टीजर रिलीज हुआ है, मानो ऐसा बज बन गया है। फिल्म का बज देखकर लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। हालांकि ये तो शुरुआत है, अभी तो ये फिल्म के गाने और ट्रेलर आने का बाकी है। लेकिन इस बार यशराज पठान को लेकर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि हम सबको पता है, किसी भी फिल्म का सबसे पहले पोस्टर आता है, फिर टीजर और इसके बाद ट्रेलर, और ये सब रिलीज हो जाता है, इसके बाद आते हैं फिल्म के गाने। लेकिन पठान के केस में ऐसा नहीं होगा। पठान के पोस्टर और टीजर के बाद अब मेकर्स फिल्म के गाने को लेकर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यशराज पठान को लेकर कुछ नई स्ट्रेटजी ट्राई कर रही है, ताकि फिल्म को लेकर ऑडियंस में और ज्यादा बज बने। इसलिए अगले हफ्ते वीकेंड पर फिल्म का पहला गाना रिलीज होगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये फिल्म का पहला गाना कौन सा होगा। फिल्म का टाइटल बताया जा रहा है नशा चढ़ा। गाने में म्यूजिक है विशाल शेखर का और आवाज है शेखर रिजवानी की। दरअसल ये गाना एक क्रिएटिव सॉन्ग होगा, जैसा सलमान खान की टाइगर जिंदा है और एक था टाइगर में देखने को मिला था। ये गाना माशाल्लाह और स्वैग से स्वागत की तरह एक क्रिएटिव सॉन्ग होगा, जिसको ब्यूटीफुल तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है। उसको अलग अलग कंट्री में शूट किया गया है और ये गाने में बेहतरीन डांसर भी नजर आएंगे। इसके अलावा गाने में किंग खान शाहरुख खान और क्वीन दीपिका पादुकोण तो नजर आने ही वाली है। यशराज इस गाने को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है और इसलिए ट्रेलर से पहले ये गाने को रिलीज कर रहा है। यशराज को पता है कि ये गाना जब मार्केट में आएगा तो तहलका मचा देगा और शायद इसी वजह से यशराज इतना बड़ा स्टेप लेने जा रही है। और अगर यशराज की ये स्ट्रेटजी काम आ गई तो पठान को बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। बात करें फिल्म की तो फिल्म में लीड रोल में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम और सलमान खान का कैमियो भी नजर आएगा। इसके अलावा ये फिल्म में आशुतोष राणा और डिम्पल कपाड़िया भी नजर आएंगे। फिल्म का डायरेक्शन दिया है सिद्धार्थ आनंद ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया है यशराज ने। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं पठान के पहले सॉन्ग को लेकर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करें। दिव्या जी रुकिए, अरे कोई लाइट ही नहीं लगाया। मैं लगाया, मैं भी ये बंद कर रहा हूँ सब लाइट। उत्सव इतनी लोग
है क्या दादा को हाथी लगाएंगे आसिफ तो कभी नहीं लगाता है लगा ना भाई चलो भाई किधर है सर ऑडी में चले ए महेश सारा
बहुत सारी सेलिब्रिटीज यहाँ पे प्रेजेंट है उनकी फिल्म आन देखने के लिए, कैसे देखते हैं आप इतनी बड़ी जर्नी को और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? दिलीप साहब तो देखिए आप जो एक्टिंग स्कूल है उनके फादर है मैं कह सकता हूँ, और जितने हमारे एक्टर्स हैं वो खुद ही कहते हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ दिलीप साहब की एक्टिंग से ज़रूर सीखा है, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, और हमारे तो बहुत फैमिली रिलेशन है उनके, उनसे बहुत पुराने, मेरी सिस्टर सुलक्षणा दीदी और मेरे फादर उस ज़माने के लोग हैं जब नए नए बॉम्बे मेरी फैमिली आई थी और दिलीप साहब से मिली थी, और दिलीप साहब का मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, मैं क्या सारी दुनिया बहुत बड़ी फ़ैन है, और उनका 100th बर्थडे कमेमोरेट हो रहा है, और बहुत खुशी की बात है कि पीवीआर ने इतना खूबसूरत स्टेप लिया है कि दिलीप साहब की पिक्चरें स्क्रीन में देखने को मिले। मैंने सारी पिक्चरें तो देखी है मगर स्क्रीन में एक देखने का अपना अलग मज़ा है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और मैं देखूँगा इनकी पिक्चरें, मैं देवदास देख रहा हूँ, राम और श्याम देख रहा हूँ, और आन तो देख ही रहा हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, अभी काफ़ी कुछ बोल भी चुकी हूँ लेकिन मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ कि मैं दिलीप कुमार जी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, और सिर्फ एक ही रोल में नहीं, दिलीप कुमार जी ने मेरे हस्बैंड शक्ति में की फिल्म शक्ति में काम किया तो मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती थी। दिलीप कुमार जी के घर हमारा आना जाना था तो एक जान पहचान, करीबी जान पहचान थी। उसके अलावा कमाल की बात यह है कि दिलीप कुमार जी एक स्टेज पर एक फिल्म बनाने जा रहे थे कलिंगा, जिन्होंने उन्होंने डायरेक्शन फर्स्ट टाइम कर रहे थे, वो उस फिल्म में मैंने दिलीप कुमार जी के नीचे एज एन एक्टर काम किया, तो मैंने उन्हें एक डायरेक्टर की तरह देखा है, और एज अ डायरेक्टर इतने शांत, इतने प्यार से और इतनी अच्छी तरह वो एक्टर से काम ले रहे थे कि आई वॉज अमेज्ड कि ये दिलीप कुमार जी और कितने इतने बड़े एक्टर और इतने हम्बल, इट वॉज़ अनबिलीवेबल। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस होल वीक, और शक्ति को भी अभी उन्होंने रिस्टोर कर दिया है तो वो एक नए कलर में एक अच्छे से मतलब फ्रेश दिखेगी, कोई स्क्रैचेज नहीं होंगे, सब कुछ उन्होंने अच्छा किया, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं वो वर्जन जो रिस्टोर्ड वर्जन है वो मैं आज पहली बार देखने वाली हूँ, तो मैं तो शाम को रात को मतलब 9 बजे का शो, आई एम वेरी 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 एक्साइटेड, एंड ऑफकोर्स दिलीप साहब का 100th बर्थडे है, ऑफ कोर्स आई एम मिसिंग हिम, आई विश ही वाज हियर विद अस, नहीं है लेकिन कम से कम हम बड़ी शान और आन से उनका बर्थडे मना रहे हैं। क्या बात है, बस रुकिए सर, दिए जलाए, दिए बुझ गए, सेंटर सेंटर यहाँ देखिए, आगे में यहाँ पे सेंटर, ये सर आपके राइट में एक बार, अरे धाम लगा रहा सर, यहाँ पे सेंटर देखिए, सेंटर सर, सेंटर सेंटर सर, इधर सेंटर सर, सेंटर अभी यहाँ पर, यहाँ पर सर, इधर सर, अभी सेंटर देखिए, सेंटर मैंने देखा, क्या बात है दीपक भाई सामने, क्या बात है, थैंक यू मैम, थोड़ा पीछे मैम, थोड़ा पीछे, आई एम लुकिंग लेफ्ट, समोर बघा मैडम, मैडम समोर समोर, मैडम इथे समोर बघा, हां एक मिनिट, मैडम समोर समोर, समोर मैडम, बस मैडम जी सामने देखिए, राइट लेगड़े मैम, आपके लेफ्ट, मैम लेफ्ट, ठीक है मैडम जी, मैडम इकडे ना बघा ना तुम्ही, मैडम जी इथे 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 आप बोल, थैंक यू, पीछे चले जाए, अभी ठीक है, ठीक है ठीक है, सामने अभी आपके राइट में, अरे रुकना जरा, सेंटर अभी लेफ्ट में, मैम यहाँ सेंटर, मैम योर राइट, मैम यहाँ पर, यहाँ पर अभी, मैम ये सेंटर सेंटर, एक्सक्यूज मी मैम, मैम ओके लेफ्ट, थैंक यू, थैंक यू, क्या बात है,
सर 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 इधर पीछे पीछे साथ में उधर भी रुक गया सर सेंटर मैम सर इधर समोर थामा मैडम सर सर मैम सामने सेंटर थैंक यू यहाँ पे सामने सर सामने देखिए ओके सर सामने सामने ओके सर सेंटर सेंटर ओके सर सेंटर ओके सर सेंटर सेंटर ओके सर सेंटर एक्सक्यूज मी ओके सर संडे को भी काम पे लगा लगा था क्या करता है ओके भाई ओके सर एक बार वापस रुको सर क्या क्या जी ओके सर जरा वापस रुको नहीं फायदा है मनोज का सर पीछे हूँ मैं पीछे हूँ सर जी मतलब तेरा टाइम होता है एक्टिंग करने का टाइम आ गया मैम सामने मैम या राइट साइड सर मैम सामने देखिए मैम यो मैम रुक गया मैम सेंटर मैम राइट कॉर्नर मैम सेंटर मैम अभी जा मैम यो रुक गया एक्सक्यूज मी मैम बोलो राइट साइड ओके थैंक यू मैम थोड़ा पीछे पीछे अरे भाई मैम लुक हियर सेंटर मैडम सामने रखिए मैम सेंटर सेंटर मैम सेंटर सेंटर मैम इकड़े मैम मैम इकड़े मैम ये थोड़ा राइट में आ जाए बस बस थोड़ा पीछे मैडम बस 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 थैंक यू सेंटर अरे हाँ ना भाई तेरे को इंग्लिश आते समझ गया एक्सक्यूज मी बहुत एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी मैम सर 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 मैडम सर 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 मैम समोर सर मैम समोर क्या बात है कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू मैम सामने देखिए सर मैम थोड़ा पीछे पीछे थोड़ा पीछे तामे पीछे तामे फ्लैश आ रहा है मैडम सामने देखिए मैम सामने सर सामने मैम सर आपके लिए मैम वाले लेफ्ट सर 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 राइट 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 सर राइट मैम राइट मैम वाले लेफ्ट पीछे सर सामने मैडम मैम राइट मैम आपके लेफ्ट में सर 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 यहाँ पे सामने सामने मैम सामने क्या बात है क्या बात है क्या बात है मैडम सेंटर मैम अभी सेंटर देखिए सेंटर यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी सामने देखिए एक्सक्यूज मी थैंक यू गाइस मैम सेंटर थैंक यू मोनी जी थोड़ा पीछे मोनी जी थोड़ा पीछे चले जाइए ना मोनी जी सामने सामने देखिए सामने मोनी जी आपके लेफ्ट मोनी जी सामने मोनी जी आपके लेफ्ट मोनी मैम सामने मैम सामने मैम लुक हियर सेंटर मोनी जी आपके लेफ्ट मोनी जी
यहाँ पर मैम, यह सेंटर अरे यार सेंटर मोनी जी सोलो मोनी जी मोनी जी सोलो सोलो नहीं नहीं मिला पापा सेंटर मोनी सेंटर देखिए मैम सेंटर मैम राइट राइट मैम सेंटर मैम या सेंटर मैम मैम सेंटर मैम यो मैम सेंटर सेंटर थोड़ा लेफ्ट मैम यो ऑन योर राइट मैम ऑन योर राइट वेट 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 मैम सेंटर थैंक यू सर सेंटर यहाँ पे पीछे मैम सामने अभी बस मैम सेंटर देखिए मैम सेंटर मैम सेंटर सेंटर मैडम जी आपके राइट मैम वेट 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 मैम यहाँ पर मैम अभी सेंटर खुशी थैंक यू सर क्या साथ में आ जाइए मैडम मैडम सर नेहा जी आपके राइट में नेहा जी करण जी आपके राइट में मैम सामने सामने देखिए मैम सेंटर सेंटर क्या बात है तांबे थोड़ा कैमरा पीछे ले तांबे सर सामने तांबे कैमरा पीछे ले तांबे सोलो 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 सोलो
करण सर आ जाइए। सामने अरे यार क्या बात है। नाइस ग्लेयर्स चश्मा। थैंक यू सर। नाइस लुक सर। एक मिनट रुको सर। चलो सुपर ओवर हो गया आ जाओ। मैम थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे। मैम थोड़ा पीछे। मैम सेंटर सेंटर सेंटर। मैम सेंटर मैम सेंटर सेंटर। मैम यहाँ पे सेंटर देखिए। मैम यहाँ पे सेंटर देखिए। मैम ऑन ए राइट। मैम लुक क्या। मैम ऑन राइट साइड हो मैडम जी। मैम यहाँ पे। थैंक यू। मैम थोड़ा पीछे चले जाना। मैम सामने। रिलीज हुआ पठान फिल्म का सॉन्ग बेशरम रंग माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान का सॉन्ग बेशरम रंग सोमवार 12 दिसंबर को 11 बजे सुबह रिलीज कर दिया गया है। रिलीज होने के महज 15 मिनट में बेशरम रंग यूट्यूब पर 2.5 लाख से अधिक यूज आ चुके हैं। सॉन्ग रिलीज के ठीक पहले सोमवार की देर रात शाहरुख खान ने माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुंचकर प्रार्थना की है। लंबे समय बाद शाहरुख खान बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। 25 जनवरी 2023 को उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान रिलीज होने के लिए तैयार है। शाहरुख इसकी सक्सेस के लिए कटरा स्थित माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे और वहां उन्होंने माथा टेक कर माता के दर्शन करते हुए प्रार्थना की। पठान फिल्म का गाना बेशरम रंग भी आज सोमवार को सुबह 11 बजे रिलीज हो गया है। शाहरुख खान दुनिया के सबसे व्यस्ततम अभिनेत्रियों में गिने जाते हैं। उनके पास काम ही काम होता है लेकिन काम के बीच वे ईश्वर के दर्शन और प्रार्थना के लिए समय निकालना नहीं भूलते। जनवरी 2023 में उनकी फिल्म पठान रिलीज होने जा रही है। इसके पहले शाहरुख खान ईश्वर के दर्शन भी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मक्का मदीना का रुख किया था। इसके बाद सोमवार की देर रात वे कटरा स्थित माँ वैष्णो देवी मंदिर भी पहुंचे और प्रार्थना की। मंदिर में शाहरुख खान ने माता के सामने माथा टेका। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ने अपने अन्य साथियों के साथ माँ वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाकर पूजा अर्चना की। शाहरुख ने चेहरे पर मास्क लगाया था ताकि लोगों की पहचान में न आए। हर धर्म को मानते हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान को आपने फिल्म पर्दे पर कई अलग रूप में देखा होगा। कभी रोमांस तो कभी एक्शन किंग बनकर उन्होंने लोगों के दिल जीते लेकिन असल जिंदगी में शाहरुख खान एक ट्रू फैमिली मैन होने के साथ काफी धार्मिक भी है। वे हर धर्म को एक समान मानते हैं। तभी तो मक्का जाकर उमराह करने के बाद शाहरुख खान अब माँ वैष्णो देवी के मंदिर पहुंच गए हैं। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म 25 जनवरी 2023 में शाहरुख खान की पठान रिलीज हो रही है। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण है। इसके बाद 2023 में जून माह में फिल्म जवान रिलीज होगी और इसी साल के अंत में शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज होगी जिसकी शूटिंग हाल ही में सऊदी अरब में पूरी हुई है। वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे शाहरुख खान पठान की सक्सेस के लिए की प्रार्थना। हिंदी सिनेमा के किंग शाहरुख खान हाल ही में वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी के लिए पहुंचे। वैष्णो देवी मंदिर से शाहरुख के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस दौरान शाहरुख खान काले रंग के लिबास में दिखाई दिए। लंबे वक्त बाद शाहरुख खान की फिल्म पठान बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। ऐसे में शाहरुख फिल्म की कामयाबी की दुआ करने वैष्णो देवी पहुंचे। खास बात यह है कि हाल ही में किंग खान ने सऊदी अरब में उमरा भी किया था। शाहरुख खान को रविवार को कटरा में देखा गया। सिक्योरिटी के साथ शाहरुख वैष्णो देवी पहुंचे। यहां उनके साथ कुछ दोस्त भी थे। शाहरुख ने चेहरे पर मास्क लगाया था जिससे लोग उन्हें पहचान न पाए। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर में दर्शन करने के बाद शाहरुख खान आज मुंबई वापस लौट आएंगे। शाहरुख खान हर धर्म का सम्मान करते हैं। इसका सबूत उन्होंने कई मौके पर पेश किया है। शाहरुख खान एक मुस्लिम है लेकिन उन्होंने एक हिंदू लड़की गौरी खान से शादी की है। कई बार उन्होंने इंटरव्यूज के दौरान बताया है कि उनके घर में एक ही जगह पर हिंदू धार्मिक ग्रंथ गीता और मुसलमानों की धार्मिक किताब कुरान शरीफ रखी हुई है। यही नहीं एक इंटरव्यूज में जब पत्रकार ने उन्हें कहा कि मान लीजिए आप शेखर कृष्ण होते
एसके। इस पर किंग खान ने बीच में टोकते हुए अपने ही खास अंदाज में उन्हें जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, शेखर राधा कृष्ण एसआरके किंग खान के इस जवाब से सभी खुश हो गए थे। गौरतलब की हाल ही में शाहरुख सऊदी अरब में हुई रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने मक्का जाकर मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थल काबा का दीदार किया और उमरा भी किया। उनके उमरा करने की कई तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। शाहरुख खान एक लंबे अरसे बाद फिल्म पठान से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। पठान को लेकर शाहरुख काफी उत्साहित है। वही फैंस भी किंग खान की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी लीड रोल में दिखेंगे। शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पठान का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज। शाहरुख दीपिका की सिजलिंग केमिस्ट्री देख फैंस बोले फायर है। फिल्म पठान बी टाउन की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इन दिनों इंडस्ट्री फिल्म का बज बना हुआ है। फैंस भी फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इस बीच मेकर्स ने लाखों चाहने वालों को तोहफा दिया है और फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज कर दिया गया है। फैंस को इस गाने का बेसब्री से इंतजार था। गाना रिलीज होते ही इसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टार पठान का गाना बेशरम रंग आउट होते ही छा गया है। महज कुछ ही मिनटों में इसे लाखों व्यूज मिल गए है। गाने में जबरदस्त डांस मूव्स है, साथ ही शाहरुख और दीपिका की केमिस्ट्री भी लाजवाब है। दीपिका पादुकोण ने अपने ग्लैमरस लुक को फैंस को कायल कर दिया है। शाहरुख और दीपिका ने अपने डांस और केमिस्ट्री से लोगों के दिलों में जगह बना दी है। बात करें गाने के बारे में तो इस सॉन्ग को विशाल और शेखर ने म्यूजिक दिया है। इसके बोल कुमार के है। गाने को शिल्पा राव, कैरालिसिया मोटेरियो, विशाल और शेखर ने गाया है। इसका स्पेनिश लिरिक्स विशाल ददलानी ने दिया है। गाने में जो आपको जबरदस्त डांस मूव्स दिख रहे हैं, उससे फेमर कोरियोग्राफी वैभवी मर्चेंट ने कोरियोग्राफ किया है। जैसे ही यूट्यूब पर इस गाने को रिलीज किया गया, फैंस के बीच छा गया। कुछ लोग इसे मास्टरपीस बता रहे हैं, तो वही कुछ ने इसे कंप्लीट फायर बताया है। यही नहीं, कई लोग गाने को इस साल का चार्ट बस्टर बता रहे हैं। कुछ फैंस शिल्पा राव की आवाज को पसंद कर रहे हैं। गाने को देखकर इतना तो साफ है कि ये अब सभी पार्टियों में बजने वाले गानों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। पठान में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के अलावा जॉन अब्राहम भी लीड रोल में नजर आएंगे। यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। पठान को 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। गौरी खान बेशर्म रंग सॉन्ग में शाहरुख खान और दीपिका को देख हुई दीवानी। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने को किया प्रमोट। शाहरुख खान के फैंस का इंतजार अब फाइनली पूरा हो चुका है। लंबे समय से फैंस 12 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बीते काफी दिनों से शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म पठान से बढ़कर एक दीपिका पादुकोण को पोस्टर रिलीज करते नजर आए थे। वही बीते दिनों उन्होंने अपना भी दमदार लुक रिलीज किया था, जिसके बाद से ही बेशरम रंग सॉन्ग को लेकर लोगों ने काफी एक्साइटमेंट दिखने को मिली। लेकिन ये एक्साइटमेंट अब फाइनली पूरी हो चुकी है, क्योंकि बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने अपनी फिल्म पठान से बेशरम रंग सॉन्ग को रिलीज कर दिया गया है। यहाँ तक कि इस सॉन्ग को लेकर शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान में भी काफी दीवानगी देखने को मिली। वह खुद इस सॉन्ग को लेकर एक्साइटेड दिखी और ये एक्साइटमेंट उन्होंने साफ तौर पर जाहिर की है। खुद गौरी खान इस सॉन्ग को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से प्रमोट कर अपने फैंस को यह सॉन्ग देखने के लिए उत्सुक करती नजर आई। पठान का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज होने के साथ फैंस की जुबा पर चढ़ गया है। सॉन्ग रिलीज से पहले इसकी ग्लैमरस झलक शेयर की गई थी। दीपिका पादुकोण समंदर किनारे मनोकनी पहले सिजलिंग लुक सामने आया था। इसके बाद शाहरुख खान का स्वैग दिखा। दोनों स्टार्स की कमाल की झलक देखने के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को अब साथ देखने के लिए तैयार हो जाइए। सॉन्ग बेशरम रंग की किंग खान और दीपिका पादुकोण की दमदार केमिस्ट्री नजर आ रही है। इससे पहले इन दोनों स्टार्स को अपने चेन्नई एक्सप्रेस और ओम शांति ओम मूवी में देखा होगा। शाहरुख और दीपिका की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर हिट रही है। पठान में एक बार फिर दीपिका शाहरुख खान का रोमांस बड़े पर्दे पर छाने वाला है। गाने को शिल्पा राव, कैरालिसा मोटेरियो, विशाल और शेखर ने गाया है। लिरिक्स है कुमार के। इस फिल्म का म्यूजिक विशाल और शेखर ने दिया है। गाने को कोरियोग्राफी किया है वैभवी मर्चेंट ने। जैसे ही यूट्यूब पर इस गाने को रिलीज किया गया, फैंस के बीच छा गया। कुछ लोग इसे मास्टरपीस बता रहे हैं, तो वही कुछ ने इसे कम्प्लीटली फायर बताया है। यही नहीं, कई लोग गाने को इस साल का चार्ट बस्टर बता रहे हैं। कुछ फैंस शिल्पा राव की आवाज को पसंद कर रहे हैं। गाने को देखकर इतना तो साफ है कि ये अब सभी पार्टियों में बजने वाले गानों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, यह सॉन्ग आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। पठान के टीजर से सामने आ गई पूरी स्पाई यूनिवर्स की कहानी। टीजर में है शाहरुख और ऋतिक के साथ आने का ये बड़ा हिंट।
शाहरुख खान के बर्थडे पर उनके फैंस को बड़ा तोहफा मिला और किंग खान की नई फिल्म पठान की टीजर रिलीज हो गया। टीजर देखने के बाद शाहरुख फैंस उनके जबरदस्त एक्शन अवतार के दीवाने हुए जा रहे हैं। फिल्म के लिए शाहरुख का ट्रांसफॉर्मेशन भी फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। नए हेयर स्टाइल और दमदार बॉडी के साथ वो स्क्रीन पर कहर ढाते दिख रहे हैं। पठान के टीजर में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण का सुपर स्टाइलिश अवतार और पावरफुल विलन के रोल में जॉन अब्राहम की भी तारीफ हो रही है। पठान के साथ यशराज फिल्म अपने स्पाई यूनिवर्स की भी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत सलमान खान स्टारर टाइगर फ्रेंचाइजी से हुई थी। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि सलमान की टाइगर 3 और ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर वॉर भी पठान से कनेक्ट होगी। यशराज फिल्म की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से अभी तक सामने आई अलग अलग रिपोर्ट स्पाई यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बता रही है। यशराज फिल्म की एक था टाइगर 2012 में सलमान खान ने इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के एक ऑफिसर अविनाश सिंह राठौड़ उर्फ टाइगर का किरदार निभाया था। इस किरदार की कहानी टाइगर जिंदा है से आगे बढ़ी थी। 2019 में आई वॉर में ऋतिक रोशन का किरदार कबीर रॉ का एक बागी एजेंट था और टाइगर श्रॉफ का खालिद भी रॉ ऑफिसर था, जिसे कबीर का पता लगाने का काम दिया गया था। अब पठान में शाहरुख खान भी एक ऐसे ही स्पाई एजेंट का किरदार निभा रहे हैं। टाइगर फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्में और वॉर आपस में किरदारों को लिंक नहीं कर रही थी और इनकी स्टोरी अलग अलग थी, लेकिन स्पाई यूनिवर्स की चौथी फिल्म पठान से किरदारों का क्रॉसओवर शुरू होने वाला है और ये कंफर्म हो चुका है कि टाइगर के रोल में सलमान खान का पठान में एक महत्वपूर्ण कैमियो है। पठान और वॉर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ यशराज फिल्म्स एक और फिल्म फाइटर भी अनाउंस कर चुका है। फाइटर को इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म बताया गया है, जिसमें ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है कि ऋतिक इसमें कबीर के किरदार को ही आगे बढ़ाएंगे, जो उन्होंने वॉर में भी निभाया था। लेकिन इससे पहले पैनी नजर वाले फैंस ने पठान के टीजर में कुछ ऐसा नोटिस किया है जो इशारा कर रहा है कि शाहरुख और ऋतिक रोशन भी स्पाई यूनिवर्स में साथ नजर आने वाले हैं। वॉर में जहां ऋतिक और टाइगर के किरदार रॉ के ऑफिसर थे, वहीं आशुतोष राणा ने एजेंसी के जॉइंट सेक्रेटरी कर्नल सुनील लुथरा का किरदार निभाया था। अगर आपको वॉर की एंडिंग याद हो तो कर्नल लुथरा आखिर सीन में कबीर से बात कर रहे हैं और उसे फरीद हक्कानी तक पहुंचने के लिए कहते हैं, जो फिल्म में एक बहुत बड़ा विलन था, लेकिन फिल्म में कबीर इस विलन तक नहीं पहुंच पाया था। पठान का टीजर शुरू होते ही सबसे पहले आशुतोष राणा की आवाज में सवाल सुनाई देता है, क्या जानते हो तुम पठान के बारे में। इसके बाद टीजर में डिंपल कपाड़िया की आवाज आती है, जो कहती है 3 साल से उसकी कोई खबर नहीं है, अपने लास्ट मिशन में वो पकड़ा गया, सुना है बहुत टॉर्चर किया उसे, पता नहीं पठान मर गया है या। इसके बाद शाहरुख खान की एंट्री होती है और वो डिंपल का डायलॉग पूरा करते हुए कहते हैं, जिंदा है। सोशल मीडिया पर फैंस का मानना है कि आशुतोष राणा पठान में कर्नल लुथरा का ही किरदार निभा रहे हैं और इसलिए ये चांस पूरा है कि स्पाई यूनिवर्स में कबीर और पठान यानी ऋतिक रोशन और शाहरुख खान जल्द ही साथ दिख सकते हैं। कुछ फैंस तो यहाँ तक मान रहे हैं कि ऋतिक रोशन का कैमियो पठान में ही होने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि पठान का विकिपीडिया पेज भी फिल्म में सलमान खान और ऋतिक रोशन दोनों के कैमियो होने की बात कर रहा है। हालांकि इस बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अगर पठान में ऋतिक का कैमियो नहीं भी होता है तो भी इतना लगभग तय है कि स्पाई यूनिवर्स की आने वाली किसी फिल्म में शाहरुख और ऋतिक जरूर साथ आ सकते हैं। ऐसे में फैंस के लिए 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली पठान का करना और भी मुश्किल हो गया है। शाहरुख खान का कमबैक, सलमान का कैमियो और ऋतिक के दिखने की संभावना ने इस फिल्म के लिए जनता की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। ये तो सिर्फ पठान की शुरुआत थी, असली धमाका तो अब आएगा। शाहरुख खान अपने फैंस को हर दिन एक नया सरप्राइज दे रहे हैं। पठान फिल्मों को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट अब सातवें आसमान पे पहुंच गई है। लोग ये फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले तो पठान के पोस्टर ने लोगों को काफी एक्साइटेड कर दिया था और फिर टीजर जब रिलीज हुआ तब तो क्या ही कहना। टीजर रिलीज होने के बाद पठान को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही माहौल नजर आ रहा था और जब आज ये फिल्म से पहला गाना आया बेशरम रंग, सोशल मीडिया पर तबाही मच गई है। हर तरफ शाहरुख खान और दीपिका के चर्चे हो रहे हैं। शाहरुख खान और दीपिका की केमिस्ट्री की भी तारीफें हो रही है। दीपिका ने जो गाने में हॉटनेस दिखाई है उसकी भी तारीफें हो रही है।
और फैंस को शाहरुख का स्वैग भी बहुत ही पसंद आ रहा है और ये सब चीजें दर्शक को फिल्म देखने के लिए एक्साइटमेंट करने के लिए काफी है। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि ये शुरुआत है, असली धमाका तो अब होगा, तब जाहिर सी बात है कि ये फिल्म से अभी बहुत कुछ आने वाला है। बता दें कि पठान में सिर्फ एक ही सॉन्ग नहीं होगा, पठान में टोटल 3 गाने रहने वाले हैं, जिसका दूसरा गाना काफी तगड़ा होगा और वो होगा झूमे जो पठान, और उसके लिरिक्स होंगे तुमको मोहब्बत करनी है और हमने मोहब्बत की है। लिरिक्स सुनने में ये गाना काफी सिंपल लग रहा है, लेकिन जब गाना रिलीज होगा तब आप ये गाने पर थिरकने पर मजबूर हो जाएंगे। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि बेशरम रॉन्ग एक जबरदस्त पार्टी एंथम है। गाने में दीपिका के मूव्स और शाहरुख का स्वैग काफी इम्प्रेसिव लग रहा है, लेकिन ये फिल्म का दूसरा गाना झूमे जो पठान तुमको मोहब्बत करनी है हमने मोहब्बत की है, ये गाना उससे भी काफी धमाकेदार रहने वाला है। ये गाने को दुबई में आजमाया गया है और ये गाना पठान के पहले गाने से भी काफी दमदार रहने वाला है। बात करें हम फिल्म की तो शाहरुख खान की पठान फिल्म 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म में लीड रोल में शाहरुख खान और दीपिका के अलावा जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। इसके अलावा आशुतोष राणा और डिंपल कपाड़िया भी देखने को मिलेंगे। बता दें कि ये फिल्म का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद ने किया है, जो पहले भी वॉर, बैंग बैंग जैसी फिल्मों को बना चुके हैं। सिद्धार्थ आनंद की एक्शन फिल्में काफी जबरदस्त रहती है और शायद इसीलिए यशराज ने इस फिल्म के लिए सिद्धार्थ आनंद को हायर किया था, ताकि वो पठान को जस्टिस दे सके। और ट्रेलर और गाने देखकर तो लगता है कि ये फिल्म पहले दिन सबसे बड़ी ओपनर बन सकती है। फिलहाल दोस्तों आपको कैसा लगा बेशरम रॉन्ग और आप कितने एक्साइटेड है फिल्म के दूसरे गाने झूमे जो पठान को लेकर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें। शाहरुख खान और दीपिका का अब तक का सबसे हॉट है ये गाना। आइए जानते हैं बेस्ट सीन के बारे में। शाहरुख खान अपनी मच अवेडेंट फिल्म पठान को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म के फर्स्ट लुक से लेकर टीजर रिलीज तक पठान के हर अपडेट ने खूब चर्चाएं बटोरी है। अब फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग भी जारी कर दिया गया है। गाने में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इतनी दिलकश नजर आ रही है कि देखने वाला हर शख्स दिल हार बैठेगा। फैंस की बेताबी के बीच सोमवार को पठान का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज कर दिया है। गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण दोनों नजर आ रहे हैं, लेकिन गाने की जान एक्ट्रेस का दिलकश अंदाज है। सॉन्ग में दीपिका कई अलग अलग मनोकिनी और बिगनी में नजर आ रही है। बीच साइड पर शूट किए गए इस गाने में शाहरुख और दीपिक की केमिस्ट्री देखने लायक है। बेशरम रंग के बोल कुमार ने लिखे है, जबकि शिल्पा राव, करालिस माटेयरो और विशाल शेखर की जोड़ी ने गाने को अपनी आवाज दी है। विशाल शेखर ने ही गाने को तैयार भी किया है। पठान के गाने बेशरम रंग ने रिलीज से पहले ही खूब चर्चा बटोर ली। 2 दिन पहले शाहरुख खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने से दीपिका का फर्स्ट लुक जारी करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था और सॉन्ग रिलीज की जानकारी साझा की थी। बेशरम रंग के पोस्टर में दीपिका गोल्डन कलर की मनोकिनी में नजर आई थी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हुई थी और देखते ही देखते एक्ट्रेस ट्रेंड करने लगी थी। शाहरुख खान आखिरी बार अनुष्का शर्मा के साथ फिल्म जीरो में नजर आए थे, जिसे आनंद एलरॉय ने डायरेक्ट किया था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप साबित हुई। वही अब लगभग 4 सालों बाद किंग खान कमबैक कर रहे हैं और उनकी पहली फिल्म पठान होगी, जो अगले महीने सिनेमा घरों में दस्तक देगी। पठान को हिट बनाने के लिए शाहरुख पूरी मेहनत कर रहे हैं। बॉडी बनाने से लेकर फिल्म के प्रमोशन तक किंग खान हर पैतरा आजमा रहे हैं। पठान को यशराज फिल्म के बैनर तले बनाया जा रहा है, जिसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को दुनिया भर के कई एक्जोटिक लोकेशन में शूट किया गया है। स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के अलावा जॉन अब्राहम भी लीड रोल में है। फिल्म 25 जनवरी को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। पठान का जबरदस्त एक्शन तो आपने देख लिया होगा, अब बारी है पठान के धमाकेदार डांस सॉन्ग की। मिलने वाला है जल्द ही बहुत बड़ा सरप्राइज। शाहरुख खान 4 सालों से फिल्मी दुनिया से दूर रहे, लेकिन जब उनके कमबैक की चर्चा हो रही है तो ऐसी चर्चा आज तक किसी बॉलीवुड एक्टर के केस में नहीं हुई। अभी तक पठान से सिर्फ पोस्टर और टीजर रिलीज हुआ है, मानो ऐसा बज बन गया है। फिल्म का बज देखकर लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। हालांकि ये तो शुरुआत है, अभी तो ये फिल्म के गाने और ट्रेलर आने का बाकी है। लेकिन इस बार यशराज पठान को लेकर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि हम सबको पता है, किसी भी फिल्म का सबसे पहले पोस्टर आता है, फिर टीजर और इसके बाद ट्रेलर, और ये सब रिलीज हो जाता है, इसके बाद आते हैं फिल्म के गाने। लेकिन पठान के केस में ऐसा नहीं होगा। पठान के पोस्टर और टीजर के बाद अब मेकर्स फिल्म के गाने को लेकर आ रहे हैं।
बताया जा रहा है कि यशराज पठान को लेकर कुछ नई स्ट्रेटजी ट्राई कर रही है ताकि फिल्म को लेकर ऑडियंस में और ज्यादा बज बने। इसलिए अगले हफ्ते वीकेंड पर फिल्म का पहला गाना रिलीज होगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये फिल्म का पहला गाना कौन सा होगा। फिल्म का टाइटल बताया जा रहा है नशा चढ़ा। गाने में म्यूजिक है विशाल शेखर का और आवाज है शेखर रिजवानी की। दरअसल ये गाना एक क्रिएटिव सॉन्ग होगा, जैसा सलमान खान की टाइगर जिंदा है और एक था टाइगर में देखने को मिला था। ये गाना माशाल्लाह और स्वैग से स्वागत की तरह एक क्रिएटिव सॉन्ग होगा, जिसको ब्यूटीफुल तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है। उसको अलग अलग कंट्री में शूट किया गया है और ये गाने में बेहतरीन डांसर भी नजर आएंगे। इसके अलावा गाने में किंग खान शाहरुख खान और क्वीन दीपिका पादुकोण तो नजर आने ही वाली है। यशराज इस गाने को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है और इसलिए ट्रेलर से पहले ये गाने को रिलीज कर रहा है। यशराज को पता है कि ये गाना जब मार्केट में आएगा तो तहलका मचा देगा और शायद इसी वजह से यशराज इतना बड़ा स्टेप लेने जा रही है। और अगर यशराज की ये स्ट्रेटजी काम आ गई तो पठान को बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। बात करें फिल्म की तो फिल्म में लीड रोल में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम और सलमान खान का कैमियो भी नजर आएगा। इसके अलावा ये फिल्म में आशुतोष राणा और डिम्पल कपाड़िया भी नजर आएंगे। फिल्म का डायरेक्शन दिया है सिद्धार्थ आनंद ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया है यशराज ने। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड है पठान के पहले सॉन्ग को लेकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करें। कार्तिक सर यहाँ पे देखो ना, कार्तिक सर यहाँ पे मेरे पास कार्तिक सर यहाँ पे कार्तिक भाई यहाँ पे सेंटर सेंटर में कार्तिक भाई कार्तिक भाई कार्तिक भाई यहाँ पे कार्तिक सर यहाँ पे रुको ना कार्तिक सर कार्तिक सर नियोग नियोग सर दोनों साथ में सर आपके राइट में राइट 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 सेंटर सेंटर भाई सर सर एक राइट में राइट में सर यहाँ पे सर लुक योर राइट थैंक यू पीछे हो जाना भाई अरे क्या मैं किधर रुकूं मेरे को थोड़ी वीडियो बनाने अरे फुल फ्रेम नहीं बैठ रहा है भाई मैम भैया बोलो क्यों भैया बोलो भैया सर सर रुक जाइए फोटो नहीं मिला सर सर मैम नीलम जी मैम मैम सेंटर मैम जी नीलम जी पे मैम एक सोलो दीजिए नीलम जी
चाबी डब चाबी हो गया जय सर यहाँ पे आ जाओ साइड हो जाएगी खाली खाली रखिए ओके सर सर थोड़ा सा ना लुक किया ये यस सर और एक लुक किया ये सर सेंटर सर मैम 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 सेंटर राइट राइट मैम सेंटर मैम सेंटर सर सेंटर सर यहाँ पे राइट ये सर यहाँ पे देखिए लेफ्ट में सर राइट में देखिए सर यहाँ पे सामने सर सर थोड़ा राइट में देखिए यहाँ पे थैंक यू सर आपके राइट से यहाँ पे आप राइट पे हो मैं लेफ्ट में हूँ पहले राइट में ही देखिए अल्लाह सेंटर मैम यो अल्लाह सेंटर अभी मुझे अल्लाह सेंटर यो अल्लाह यो रुके जी यहाँ पे सर 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 अरे सर आ जाइए साथ में सर यो बोथ ऑफ यू यो बोथ ऑफ यू राइट सर सेंटर सर सेंटर सर सेंटर सर यो ओके सर सेंटर सर राइट सर यहाँ पे मुझे देखिए ओके सर 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 आपका सोलो कर देना मेन हो सर यहाँ पे सर यहाँ राइट देखिए सर आपके राइट में देखिए आया मैम यहाँ पे होल्ड कीजिए मैडम यो 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 मैम राइट मैम थोड़ा लेफ्ट में आइए ना आपके लेफ्ट बस 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 यहाँ पे स्टार्ट करिए यहाँ से मैडम मैम राइट मैम यहाँ पे मैम राइट मैम यहाँ पे सेंटर मैम यहाँ पे होल्ड कीजिए मैम वन मोर सेंटर मैम थैंक यू मैम यो सर सामने देखिए सामने एकदम सर यहाँ पे होल्ड कीजिए सर लेफ्ट में आपके सर लेफ्ट में सर राइट में सर एकदम सामने थैंक यू सर सर थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हो जाए सर यहाँ पे सर सर आपके राइट में थोड़ा सर आपके लेफ्ट में सर सर लेफ्ट में सर राइट में सर सर राइट मुनी जी ऊपर आइए घूम जाओ यहाँ पे गेट पे रुकिए गेट देखिए एक घूम जाएगा मुनी मैम यहाँ पे
मैम एक सोलो से सामने से राइट से स्टार्ट करिए राइट लेफ्ट से मैडम यहां मैम सेंटर देखिए सेंटर मैम एक मैम एकदम सामने मैम सेंटर देखिए एक्सक्यूज मी यहां पे मैम यो वीडियो मत करिए अच्छा है थैंक यू अरे इसको बोलना ये एलसीडी बीच में आ गया था इसका अबे थोड़ा सा राइट दे सर वेट 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 हेलो मैम सर आइए मैम एक साथ में फोटो दीजिए ना अभी यहाँ पे होल्ड करना बेटा वेट 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 बेटा सर बोथ ऑफ यू मैम रमेश सर मैम वन मोर राइट में देखिए ना मैम यो वन मोर राइट मैम मैडम राइट में देखिए मैम यो मैम यो मैम यो राइट में ये रेडी हो थैंक यू मैम मैम पीछे एकता जी यहाँ पे होल्ड कीजिए आपके राइट में थोड़ा सेंटर देखिए ना एकता मैम सेंटर देखिए फाइन हाउ आर यू लुकिंग डैशिंग
राइट 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 कैसा तू अभी यार यहाँ पे देखिए राइट या राइट साइड वेट 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 यहाँ पे यहाँ पे गाइस सबका हुआ नहीं डन ओके ओके बोल थैंक यू यूज कहाँ हो जाएंगे गाड़ी बैठ के अंदर हाँ भाई बोल रहे हो थैंक यू बाहर से हाउ यू गाड़ी मत ले के बात गलत बोलता है राजन पीछे ले मोबाइल मोबाइल सब अरे किधर है तू भी रख अपना सब कर ले किधर कर ये जान दे चलो बस बस थैंक यू 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 ऑल द बेस्ट थैंक यू थोड़ी नहीं है असल के लिए हाय गाइस हाय मैम आपका हाथ कैसा मैम अभी और सो स्वीट अब रोज खुश हो गए ठीक है ऑल राइट बिल्कुल भी नहीं सुनी हूँ शो करके मैं मैच देखने लगती हूँ सारे हाइलाइट्स देखती हूँ फीफा का या कल तो बाहर हो गई रोनाल्डो रोनाल्डो बाहर हो गए ना रोनाल्डो बाहर हो गए आपका कौन है फेवरेट उर्वशी मैम एडवांस 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 आपको भी हाँ ट्रेडिशनल पहने हो आप हुआ पठान फिल्म का सॉन्ग बेशरम रंग माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुँचे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान का सॉन्ग बेशरम रंग सोमवार 12 दिसंबर को 11 बजे सुबह रिलीज कर दिया गया है रिलीज होने के महज 15 मिनट में बेशरम रंग यूट्यूब पर 2.5 लाख से अधिक व्यूज आ चुके हैं सॉन्ग रिलीज के ठीक पहले सोमवार की देर रात शाहरुख खान ने माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुंचकर प्रार्थना की है लंबे समय बाद शाहरुख खान बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं 25 जनवरी 2023 को उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान रिलीज होने के लिए तैयार है शाहरुख इसकी सक्सेस के लिए कटरा स्थित माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे और वहां उन्होंने माथा टेक कर माता के दर्शन करते हुए प्रार्थना की पठान फिल्म का गाना बेशरम रंग भी आज सोमवार को सुबह 11 बजे रिलीज हो गया है शाहरुख खान दुनिया के सबसे व्यस्ततम अभिनेतियों में गिने जाते हैं उनके पास काम ही काम होता है लेकिन काम के बीच वे ईश्वर के दर्शन और प्रार्थना के लिए समय निकालना नहीं भूलते जनवरी 2023 में उनकी फिल्म पठान रिलीज होने जा रही है इसके पहले शाहरुख खान ईश्वर के दर्शन भी कर रहे हैं हाल ही में उन्होंने मक्का मदीना का रुख किया था इसके बाद सोमवार की देर रात वे कटरा स्थित माँ वैष्णो देवी मंदिर भी पहुंचे और प्रार्थना की मंदिर में शाहरुख खान ने माता के सामने माथा टेका बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ने अपने अन्य साथियों के साथ माँ वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाकर पूजा अर्चना की शाहरुख ने चेहरे पर मास्क लगाया था ताकि लोगों की पहचान में न आए हर धर्म को मानते हैं शाहरुख खान को आपने फिल्म पर्दे पर कई अलग रूप में देखा होगा
कभी रोमांस तो कभी एक्शन किंग बनकर उन्होंने लोगों के दिल जीते। लेकिन असल जिंदगी में शाहरुख खान एक ट्रू फैमिली मैन होने के साथ काफी धार्मिक भी है। वे हर धर्म को एक समान मानते हैं। तभी तो मक्का जाकर उमराह करने के बाद शाहरुख खान अब माँ वैष्णो देवी के मंदिर पहुँच गए है। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म 25 जनवरी 2023 में शाहरुख खान की पठान रिलीज हो रही है। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण है। इसके बाद 2023 में जून माह में फिल्म जवान रिलीज होगी और इसी साल के अंत में शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज होगी, जिसकी शूटिंग हाल ही में सऊदी अरब में पूरी हुई है। वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे शाहरुख खान, पठान की सक्सेस के लिए की प्रार्थना। हिंदी सिनेमा के किंग शाहरुख खान हाल ही में वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी के लिए पहुंचे। वैष्णो देवी मंदिर से शाहरुख के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस दौरान शाहरुख खान काले रंग के लिबास में दिखाई दिए। लंबे वक्त बाद शाहरुख खान की फिल्म पठान बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। ऐसे में शाहरुख फिल्म की कामयाबी की दुआ करने वैष्णो देवी पहुंचे। खास बात यह है कि हाल ही में किंग खान ने सऊदी अरब में उमरा भी किया था। शाहरुख खान को रविवार को कटरा में देखा गया। सिक्योरिटी के साथ शाहरुख वैष्णो देवी पहुंचे। यहां उनके साथ कुछ दोस्त भी थे। शाहरुख ने चेहरे पर मास्क लगाया था जिससे लोग उन्हें पहचान न पाए। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर में दर्शन करने के बाद शाहरुख खान आज मुंबई वापस लौट आएंगे। शाहरुख खान हर धर्म का सम्मान करते हैं, इसका सबूत उन्होंने कई मौके पर पेश किया है। शाहरुख खान एक मुस्लिम है लेकिन उन्होंने एक हिंदू लड़की गौरी खान से शादी की है। कई बार उन्होंने इंटरव्यूज के दौरान बताया है कि उनके घर में एक ही जगह पर हिंदू धार्मिक ग्रंथ गीता और मुसलमानों की धार्मिक किताब कुरान शरीफ रखी हुई है। यही नहीं, एक इंटरव्यूज में जब पत्रकार ने उन्हें कहा कि मान लीजिए आप शेखर कृष्ण होते, इसके इस पर किंग खान ने बीच में टोकते हुए अपने ही खास अंदाज में उन्हें जवाब दिया था। उन्होंने कहा था शेखर राधा कृष्ण एसआर के। किंग खान के इस जवाब से सभी खुश हो गए थे। गौरतलब कि हाल ही में शाहरुख सऊदी अरब में हुई रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने मक्का जाकर मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थल काबा का दीदार किया और उमरा भी किया। उनके उमरा करने की कई तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। शाहरुख खान एक लंबे अरसे बाद फिल्म पठान से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। पठान को लेकर शाहरुख काफी उत्साहित है। वही फैंस भी किंग खान की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी लीड रोल में दिखेंगे। शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पठान का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज। शाहरुख दीपिका की सिजलिंग केमिस्ट्री देख फैंस बोले फायर है। फिल्म पठान बी टाउन की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इन दिनों इंडस्ट्री फिल्म का बज बना हुआ है। फैंस भी फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इस बीच मेकर्स ने लाखों चाहने वालों को तोहफा दिया है और फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज कर दिया गया है। फैंस को इस गाने का बेसब्री से इंतजार था। गाना रिलीज होते ही इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टार पठान का गाना बेशरम रंग आउट होते ही छा गया है। महज कुछ ही मिनटों में इसे लाखों व्यूज मिल गए है। गाने में जबरदस्त डांस मूव्स है, साथ ही शाहरुख और दीपिका की केमिस्ट्री भी लाजवाब है। दीपिका पादुकोण ने अपने ग्लैमरस लुक को फैंस को कायल कर दिया है। शाहरुख और दीपिका ने अपने डांस और केमिस्ट्री से लोगों के दिलों में जगह बना दी है। बात करें गाने के बारे में तो इस सॉन्ग को विशाल और शेखर ने म्यूजिक दिया है। इसके बोल कुमार के है। गाने को शिल्पा राव, कैरालिसिया मोटेरियो, विशाल और शेखर ने गाया है। इसका स्पेनिश लिरिक्स विशाल ददलानी ने दिया है। गाने में जो आपको जबरदस्त डांस मूव्स दिख रहे हैं, उससे फेमर कोरियोग्राफी वैभवी मर्चेंट ने कोरियोग्राफ किया है। जैसे ही YouTube पर इस गाने को रिलीज किया गया, फैंस के बीच छा गया। कुछ लोग इसे मास्टरपीस बता रहे हैं, तो वही कुछ ने इसे कंप्लीट फायर बताया है। यही नहीं, कई लोग गाने को इस साल का चार्ट बस्टर बता रहे हैं। कुछ फैंस शिल्पा राव की आवाज को पसंद कर रहे हैं। गाने को देखकर इतना तो साफ है कि ये अब सभी पार्टियों में बजने वाले गानों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। पठान में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के अलावा जॉन अब्राहम भी लीड रोल में नजर आएंगे। यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। पठान को 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। गौरी खान बेशर्म रंग सॉन्ग में शाहरुख खान और दीपिका को देख हुई दीवानी। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने को किया प्रमोट। शाहरुख खान के फैंस का इंतजार अब फाइनली पूरा हो चुका है। लंबे समय से फैंस 12 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बीते काफी दिनों से शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म पठान से एक से बढ़कर एक दीपिका पादुकोण को पोस्टर रिलीज करते नजर आए थे।
वहीं बीते दिनों उन्होंने अपना भी दमदार लुक रिलीज किया था, जिसके बाद से ही बेशरम रंग सॉन्ग को लेकर लोगों ने काफी एक्साइटमेंट दिखने को मिली। लेकिन ये एक्साइटमेंट अब फाइनली पूरी हो चुकी है, क्योंकि बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने अपनी फिल्म पठान से बेशरम रंग सॉन्ग को रिलीज कर दिया गया है। यहाँ तक कि इस सॉन्ग को लेकर शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान में भी काफी दीवानगी देखने को मिली। वह खुद इस सॉन्ग को लेकर एक्साइटेड दिखी और ये एक्साइटमेंट उन्होंने साफ तौर पर जाहिर की है। खुद गौरी खान इस सॉन्ग को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से प्रमोट कर अपने फैंस को यह सॉन्ग देखने के लिए उत्सुक करती नजर आई। पठान का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज होने के साथ फैंस की जुबा पर चढ़ गया है। सॉन्ग रिलीज से पहले इसकी ग्लैमरस झलक शेयर की गई थी। दीपिका पादुकोण समंदर किनारे मनोकनी पहले सिजिलिंग लुक सामने आया था। इसके बाद शाहरुख खान का स्वैग दिखा। दोनों स्टार्स की कमाल की झलक देखने के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को अब साथ देखने के लिए तैयार हो जाइए। सॉन्ग बेशरम रंग की किंग खान और दीपिका पादुकोण की दमदार केमिस्ट्री नजर आ रही है। इससे पहले इन दोनों स्टार्स को अपने चेन्नई एक्सप्रेस और ओम शांति ओम मूवी में देखा होगा। शाहरुख और दीपिका की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर हिट रही है। पठान में एक बार फिर दीपिका शाहरुख खान का रोमांस बड़े पर्दे पर छाने वाला है। गाने को शिल्पा राव, कैरालिसा मोडेरियो, विशाल और शेखर ने गाया है। लिरिक्स है कुमार के। इस फिल्म का म्यूजिक विशाल और शेखर ने दिया है। गाने को कोरियोग्राफी किया है वैभवी मर्चेंट ने। जैसे ही यूट्यूब पर इस गाने को रिलीज किया गया, फैंस के बीच छा गया। कुछ लोग इसे मास्टरपीस बता रहे हैं, तो वही कुछ ने इसे कम्प्लीटली फायर बताया है। यही नहीं, कई लोग गाने को इस साल का चार्ट बस्टर बता रहे है। कुछ फैंस शिल्पा राव की आवाज को पसंद कर रहे है। गाने को देखकर इतना तो साफ है कि ये अब सभी पार्टियों में बजने वाले गानों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, यह सॉन्ग आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। पठान के टीजर से सामने आ गई पूरी स्पाई यूनिवर्स की कहानी। टीजर में है शाहरुख और ऋतिक के साथ आने का ये बड़ा हिंट। शाहरुख खान के बर्थडे पर उनके फैंस को बड़ा तोहफा मिला और किंग खान की नई फिल्म पठान की टीजर रिलीज हो गया। टीजर देखने के बाद शाहरुख फैंस उनके जबरदस्त एक्शन अवतार के दीवाने हुए जा रहे हैं। फिल्म के लिए शाहरुख का ट्रांसफॉर्मेशन भी फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। नए हेयर स्टाइल और दमदार बॉडी के साथ वो स्क्रीन पर कहर ढाते दिख रहे हैं। पठान के टीजर में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण का सुपर स्टाइलिश अवतार और पावरफुल विलन के रोल में जॉन अब्राहम की भी तारीफ हो रही है। पठान के साथ यशराज फिल्म अपने स्पाई यूनिवर्स की भी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत सलमान खान स्टारर टाइगर फ्रेंचाइजी से हुई थी। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि सलमान की टाइगर 3 और ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर वॉर भी पठान से कनेक्ट होगी। यशराज फिल्म की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से अभी तक सामने आई अलग अलग रिपोर्ट इस स्पाई यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बता रही है। यशराज फिल्म की एक था टाइगर 2012 में सलमान खान ने इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के एक ऑफिसर अविनाश सिंह राठौड़ उर्फ टाइगर का किरदार निभाया था। इस किरदार की कहानी टाइगर जिंदा है से आगे बढ़ी थी। 2019 में आई वॉर में ऋतिक रोशन का किरदार कबीर रॉ का एक बागी एजेंट था और टाइगर श्रॉफ का खालिद भी रॉ ऑफिसर था, जिसे कबीर का पता लगाने का काम दिया गया था। अब पठान में शाहरुख खान भी एक ऐसे ही स्पाई एजेंट का किरदार निभा रहे हैं। टाइगर फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्में और वॉर आपस में किरदारों को लिंक नहीं कर रही थी और इनकी स्टोरी अलग अलग थी, लेकिन स्पाई यूनिवर्स की चौथी फिल्म पठान से किरदारों का क्रॉसओवर शुरू होने वाला है और ये कंफर्म हो चुका है कि टाइगर के रोल में सलमान खान का पठान में एक महत्वपूर्ण कैमियो है। पठान और वॉर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ यशराज फिल्म्स एक और फिल्म फाइटर भी अनाउंस कर चुका है। फाइटर को इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म बताया गया है, जिसमें ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है कि ऋतिक इसमें कबीर के किरदार को ही आगे बढ़ाएंगे, जो उन्होंने वॉर में भी निभाया था। लेकिन इससे पहले पैनी नजर वाले फैंस ने पठान के टीजर में कुछ ऐसा नोटिस किया है जो इशारा कर रहा है कि शाहरुख और ऋतिक रोशन भी स्पाई यूनिवर्स में साथ नजर आने वाले हैं। वॉर में जहां ऋतिक और टाइगर के किरदार रॉ के ऑफिसर थे, वहीं आशुतोष राणा ने एजेंसी के जॉइंट सेक्रेटरी कर्नल सुनील लुथरा का किरदार निभाया था। अगर आपको वॉर की एंडिंग याद हो तो कर्नल लुथरा आखिर सीन में कबीर से बात कर रहे हैं और उसे फरीद हक्कानी तक पहुंचने के लिए कहते हैं, जो फिल्म में एक बहुत बड़ा विलन था। लेकिन फिल्म में कबीर इस विलन तक नहीं पहुंच पाया था। पठान का टीजर शुरू होते ही सबसे पहले आशुतोष राणा की आवाज में सवाल सुनाई देता है, क्या जानते हो तुम पठान के बारे में। इसके बाद टीजर में डिंपल कपाड़िया की आवाज आती है, जो कहती है,
तीन साल से उसकी कोई खबर नहीं है। अपने लास्ट मिशन में वो पकड़ा गया। सुना है बहुत टॉर्चर किया उसे। पता नहीं पठान मर गया है या। इसके बाद शाहरुख खान की एंट्री होती है और वो डिंपल का डायलॉग पूरा करते हुए कहते हैं, जिंदा है। सोशल मीडिया पर फैंस का मानना है कि आशुतोष राणा पठान में कर्नल लुथरा का ही किरदार निभा रहे हैं और इसलिए ये चांस पूरा है कि स्पाई यूनिवर्स में कबीर और पठान यानी ऋतिक रोशन और शाहरुख खान जल्द ही साथ दिख सकते हैं। कुछ फैंस तो यहाँ तक मान रहे हैं कि ऋतिक रोशन का कैमियो पठान में ही होने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि पठान का विकिपीडिया पेज भी फिल्म में सलमान खान और ऋतिक रोशन दोनों के कैमियो होने की बात कर रहा है। हालांकि इस बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अगर पठान में ऋतिक का कैमियो नहीं भी होता है तो भी इतना लगभग तय है कि स्पाई यूनिवर्स की आने वाली किसी फिल्म में शाहरुख और ऋतिक जरूर साथ आ सकते हैं। ऐसे में फैंस के लिए 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली पठान का करना और भी मुश्किल हो गया है। शाहरुख खान का कमबैक, सलमान का कैमियो और ऋतिक के दिखने की संभावना ने इस फिल्म के लिए जनता की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। ये तो सिर्फ पठान की शुरुआत थी, असली धमाका तो अब आएगा। शाहरुख खान अपने फैंस को हर दिन एक नया सरप्राइज दे रहे हैं। पठान फिल्मों को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट अब सातवें आसमान पे पहुंच गई है। लोग ये फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले तो पठान के पोस्टर ने लोगों को काफी एक्साइटेड कर दिया था और फिर टीजर जब रिलीज हुआ तब तो क्या ही कहना। टीजर रिलीज होने के बाद पठान को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही माहौल नजर आ रहा था और जब आज ये फिल्म से पहला गाना आया बेशरम रंग, सोशल मीडिया पर तबाही मच गई है। हर तरफ शाहरुख खान और दीपिका के चर्चे हो रहे हैं। शाहरुख खान और दीपिका की केमिस्ट्री की भी तारीफें हो रही है। दीपिका ने जो गाने में हॉटनेस दिखाई है उसकी भी तारीफें हो रही है और फैंस को शाहरुख का स्वैग भी बहुत ही पसंद आ रहा है। और ये सब चीजें दर्शक को फिल्म देखने के लिए एक्साइटमेंट करने के लिए काफी है। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि ये शुरुआत है, असली धमाका तो अब होगा, तब जाहिर सी बात है कि ये फिल्म से अभी बहुत कुछ आने वाला है। बता दें कि पठान में सिर्फ एक ही सॉन्ग नहीं होगा, पठान में टोटल तीन गाने रहने वाले हैं, जिसका दूसरा गाना काफी तगड़ा होगा और वो होगा झूमे जो पठान और उसके लिरिक्स होंगे तुमको मोहब्बत करनी है और हमने मोहब्बत की है। लिरिक्स सुनने में ये गाना काफी सिंपल लग रहा है लेकिन जब गाना रिलीज होगा तब आप ये गाने पर थिरकने पर मजबूर हो जाएंगे। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि बेशरम रॉन्ग एक जबरदस्त पार्टी एंथम है। गाने में दीपिका के मूव्स और शाहरुख का स्वैग काफी इम्प्रेसिव लग रहा है लेकिन ये फिल्म का दूसरा गाना झूमे जो पठान तुमको मोहब्बत करनी है हमने मोहब्बत की है ये गाना उससे भी काफी धमाकेदार रहने वाला है। ये गाने को दुबई में आजमाया गया है और ये गाना पठान के पहले गाने से भी काफी दमदार रहने वाला है। बात करें हम फिल्म की तो शाहरुख खान की पठान फिल्म 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म में लीड रोल में शाहरुख खान और दीपिका के अलावा जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। इसके अलावा आशुतोष राणा और डिंपल कपाड़िया भी देखने को मिलेंगे। बता दें कि ये फिल्म का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद ने किया है जो पहले भी वॉर, बैंग बैंग जैसी फिल्मों को बना चुके हैं। सिद्धार्थ आनंद की एक्शन फिल्में काफी जबरदस्त रहती है और शायद इसीलिए यशराज ने इस फिल्म के लिए सिद्धार्थ आनंद को हायर किया था ताकि वो पठान को जस्टिस दे सके। और ट्रेलर और गाने देखकर तो लगता है कि ये फिल्म पहले दिन सबसे बड़ी ओपनर बन सकती है। फिलहाल दोस्तों आपको कैसा लगा बेशरम रंग और आप कितने एक्साइटेड है फिल्म के दूसरे गाने झूमे जो पठान को लेकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें। शाहरुख खान और दीपिका का अब तक का सबसे हॉट है ये गाना। आइए जानते हैं बेस्ट सीन के बारे में। शाहरुख खान अपनी मच अवेडेंट फिल्म पठान को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए है। फिल्म के फर्स्ट लुक से लेकर टीजर रिलीज तक पठान के हर अपडेट ने खूब चर्चाएं बटोरी है। अब फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग भी जारी कर दिया गया है। गाने में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इतनी दिलकश नजर आ रही है कि देखने वाला हर शख्स दिल हार बैठेगा। फैंस की बेताबी के बीच सोमवार को पठान का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज कर दिया है। गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण दोनों नजर आ रहे हैं, लेकिन गाने की जान एक्ट्रेस का दिलकश अंदाज है। सॉन्ग में दीपिका कई अलग अलग मनोकिनी और बिगनी में नजर आ रही है। बीच साइड पर शूट किए गए इस गाने में शाहरुख और दीपिक की केमिस्ट्री देखने लायक है। बेशरम रंग के बोल कुमार ने लिखे है, जबकि शिल्पा राव,
करालिस माटेयरो और विशाल शेखर की जोड़ी ने गाने को अपनी आवाज दी है। विशाल शेखर ने ही गाने को तैयार भी किया है। पठान के गाने बेशरम रंग ने रिलीज से पहले ही खूब चर्चा बटोर ली। दो दिन पहले शाहरुख खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने से दीपिका का फर्स्ट लुक जारी करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था और सॉन्ग रिलीज की जानकारी साझा की थी। बेशरम रंग के पोस्टर में दीपिका गोल्डन कलर की मनोकिनी में नजर आई थी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हुई थी और देखते ही देखते एक्ट्रेस ट्रेंड करने लगी थी। शाहरुख खान आखिरी बार अनुष्का शर्मा के साथ फिल्म जीरो में नजर आए थे, जिसे आनंद एलरॉय ने डायरेक्ट किया था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप साबित हुई। वही अब लगभग 4 सालों बाद किंग खान कमबैक कर रहे हैं और उनकी पहली फिल्म पठान होगी, जो अगले महीने सिनेमा घरों में दस्तक देगी। पठान को हिट बनाने के लिए शाहरुख पूरी मेहनत कर रहे हैं। बॉडी बनाने से लेकर फिल्म के प्रमोशन तक किंग खान हर पैतरा आजमा रहे हैं। पठान को यशराज फिल्म के बैनर तले बनाया जा रहा है, जिसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को दुनिया भर के कई एक्जोटिक लोकेशन में शूट किया गया है। स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के अलावा जॉन अब्राहम भी लीड रोल में है। फिल्म 25 जनवरी को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। पठान का जबरदस्त एक्शन तो आपने देख लिया होगा, अब बारी है पठान के धमाकेदार डांस सॉन्ग की। मिलने वाला है जल्द ही बहुत बड़ा सरप्राइज। शाहरुख खान 4 सालों से फिल्मी दुनिया से दूर रहे, लेकिन जब उनके कमबैक की चर्चा हो रही है तो ऐसी चर्चा आज तक किसी बॉलीवुड एक्टर के केस में नहीं हुई। अभी तक पठान से सिर्फ पोस्टर और टीजर रिलीज हुआ है, मानो ऐसा बज बन गया है। फिल्म का बज देखकर लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। हालांकि ये तो शुरुआत है, अभी तो ये फिल्म के गाने और ट्रेलर आने का बाकी है। लेकिन इस बार यशराज पठान को लेकर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि हम सबको पता है, किसी भी फिल्म का सबसे पहले पोस्टर आता है, फिर टीजर और इसके बाद ट्रेलर, और ये सब रिलीज हो जाता है, इसके बाद आते हैं फिल्म के गाने। लेकिन पठान के केस में ऐसा नहीं होगा। पठान के पोस्टर और टीजर के बाद अब मेकर्स फिल्म के गाने को लेकर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यशराज पठान को लेकर कुछ नई स्ट्रेटजी ट्राई कर रही है, ताकि फिल्म को लेकर ऑडियंस में और ज्यादा बज बने। इसलिए अगले हफ्ते वीकेंड पर फिल्म का पहला गाना रिलीज होगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये फिल्म का पहला गाना कौन सा होगा। फिल्म का टाइटल बताया जा रहा है नशा चढ़ा। गाने में म्यूजिक है विशाल शेखर का और आवाज है शेखर रिजवानी की। दरअसल ये गाना एक क्रिएटिव सॉन्ग होगा, जैसा सलमान खान की टाइगर जिंदा है और एक था टाइगर में देखने को मिला था। ये गाना माशाल्लाह और स्वैग से स्वागत की तरह एक क्रिएटिव सॉन्ग होगा, जिसको ब्यूटीफुल तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है। उसको अलग अलग कंट्री में शूट किया गया है और ये गाने में बेहतरीन डांसर भी नजर आएंगे। इसके अलावा गाने में किंग खान शाहरुख खान और क्वीन दीपिका पादुकोण तो नजर आने ही वाली है। यशराज इस गाने को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है और इसलिए ट्रेलर से पहले ये गाने को रिलीज कर रहा है। यशराज को पता है कि ये गाना जब मार्केट में आएगा तो तहलका मचा देगा और शायद इसी वजह से यशराज इतना बड़ा स्टेप लेने जा रही है। और अगर यशराज की ये स्ट्रेटजी काम आ गई तो पठान को बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। बात करें फिल्म की तो फिल्म में लीड रोल में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम और सलमान खान का कैमियो भी नजर आएगा। इसके अलावा ये फिल्म में आशुतोष राणा और डिम्पल कपाड़िया भी नजर आएंगे। फिल्म का डायरेक्शन दिया है सिद्धार्थ आनंद ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया है यशराज ने। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है पठान के पहले सॉन्ग को लेकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करें।